हाँ. तो बच्चों हमने लास्ट करा था क्लोज पैकिंग इन थ्री डी थ्री डी में तुम्हें वो याद है गाइस हमने किया था इन एफिशियंट पैकिंग में कौन सा था गायज सिंपल क्यूबिक लैटिस हाँ है ना क्यूबिक लैटिस या जिसको हम क्या बोल सकते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग थ्री डी के गोज पैकिंग इन थ्री डी ये तुम्हें मैम ये विजुलाइज करवाना फिर से चाह रहा हूं कि हाउ डिड इट रिजल्ट इन अ सिंपल क्यूबिक लैट इज ये क्या था बच्चों इट वॉज ए ए ए टाइप लेर आए ना पहली लेयर दूसरे के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर लाइक दैट मैंने बताया था जैसे ये है, ये तुम्हें तो दिख रहा है स्क्वायर, ये चार अब जो तुम्हारे चार जै, इसके ऊपर ये हो गया मैं इसको दूसरे पेन से मार्क करता हूं देस, 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 तो दिख रहा है नहीं दिख रहा है जो मैंने तुम्हें तो बना के दिखाया था उस वक्त एक दो होल्ड ऑन एंड सैकाइज फिर जब बना के दिखा रहा हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर होल्ड ऑन एंड गाइस सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये बिजली ये लिया ये लिया और ये ये लिया और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ yeah. बताओ बच्चों बच्चो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन थ्री डीज नथिंग बट सिंपल क्यूबिकीमेटिव सेल यूनिट सेल जो हमारा सिंपल यूनिट सेल होता था जिसमें एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर इसका जो, जो यूनिट सेल होगा वो क्या होगा सिंबल के भी ग्लैड इसका जो, जो यूनिट सेल होगा वो क्या होगा बच्चों सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है कोई डाउट गाइस अब आते हैं एफिशिएंट पैकिंग में मैंने दो बताए थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग विच वाज ए बी ए बी ए बी टाइप

जो तुम्हारी एफ सी सी की होती थी फेस सेल की जो एफिशिएंसी होती थी वही इनकी होती है इनफैक्ट अगर ध्यान से देखा जाए तो सी सी बी इज नी सी सी सीबी तो एफ सी सी को ही देखने का एक और तरीका है इज सेम एज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल सीसी पैकिंग में अगर तुम एफ सीसी को रिपीट कर दो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को रिपीट कर दो तो यू विल गेट सी सी बी समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों

एच के एग्जाम्पल तुम्हारे कौन से हैं इट इज फाउंड इन मैग्नीशियम सारी केस लेता हूं बेलडियम मैग्नीशियम कैडमियम जिंक टी आई सी के एग्जाम्पल क्या है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम क्लियर है गाइस और इसमें कौन कौन से आते हैं तो सॉरी मैंने गलत एग्जांपल दे दिए वन सेकंड सेकंड वाले का सी के एग्जांपल्स है, हैं कॉपर कैल्शियम स्टोनशियम सिल्वर एंड गोल्ड ये है सीसीपी के क्लियर है गाइस कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक क्लियर हो गया एच ये हो गया और सीसीपी ये हो गया एग्जाम्पल तुम्हें याद होने चाहिए याद नहीं करोगे क्वेश्चन आएगा यू विल नॉट बी एबल टू डू इट ओके गाय क्लियर है यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट बोलो guys, कोई डाउट है नहीं फाइन अब देखते हैं बच्चों डायग्राम एच सी बी पे आते हैं पहले एच सी बी का डायग्राम देखते हैं हमने कहा था ना दो लेयर डिंट और फिर तीसरी लेर से ना बच्चों तीसरी लेयर इज सेम एज दस्ट लेयर लेटमी ड्राइट वन सेकेंड गाइज ओके मॉर्निंग हाँ दिख रहा है बच्चों वन सेकेंड ये यहां पर आइटम्स कहाँ कहाँ पे, पे प्रेजेंट है कॉर्नर ऑफ द है एंड वन ऑफ देम इज प्रेजेंटेड बॉडी सेंटर ठीक है ना क्लियर है थर्ड फर्स्ट लेयर नहीं बनाई अभी मैंने सेकंड लेयर नहीं बनाई मैंने, मैंने ए बना दिया जो बी लेको देखो बीज लाइक दिस मतलब अगर मैं इसको ऊपर से देखूं अगर मैं इसे कहां से देखूं बच्चों ऊपर से देखूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा तुम्हें दिस इज हार्ड वियर ये दूसरी लेयर ग्रीन वाली और फिर तीसरी लेयर सेम एज द फर्स्ट लेयर दिखाया नहीं दिखा बच्चों दिख गया दिस इज अच सी पी यूनिट सेल दिस इज अच सी पी यूनिट सेल दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों बताओ भाई बोलो गाय दिख गया हर एक बच्चे को गुड इसको ऐसा बनाया जा सकता है अगर बनाना चाहो तो ये लेवा बेटर फील वन सेकंड में फिर से बनाता हूँ इसे वन आइडिया ग्रीन वाले एग्जैक्टली दिख रहा है बच्चों कोई डाउट किसी बच्चे को एचसीबी यूनिट सेल पता चल गया अब आते हैं सीसीपी यूनिट सेल सी अभी हमने एच सी पी यूनिट सेल किया था अब आते हैं सी सी पी यूनिट सेल है बच्चों करें स्टार्ट गाइस नोट कर लिया है डायग्राम बोलो गाइस कर लिया नोट गुड अब आते हैं सी सी पी यूनिट सेल हम मैंने बताया था तुम्हें ये कुछ नहीं होता है तुम्हारा एफ सी सी ही होता है एक्सेप्ट कि जिस तरीके से हम उसे देख रहे हैं वो डायरेक्शन हमने चेंज कर दी हमें क्या चाहिए था गाइस हमें चाहिए तीन लेयर डिफरेंट हा या ना हमें चाहिए तीन लेयर डिफरेंट एंड फोर्थ हूं एक लेयर में एक आइटम मानू दूसरी लेयर ये हो गई आई होप इट इज क्लियर टू यू वन सेकेंड बच्चों मैं बना के दिखाता हूं दूसरी लेयर ये हो गई मतलब एटम्स आर प्रेजेंट ओवर हियर इफ यू अंडरस्टैंड दैट क्लियर है नहीं दिस इज योर सेकंड लेयर ठीक है गाइस थर्ड लेयर मैंने ले ली ये वाली लेयर एंड फोर्थ लेयर विल बी सेम एज फर्स्ट लेयर तो फोर्थ को लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस क्लियर है गाइस अब ये एफसीसी में कहां से आता है उसको देखो एफसीसी में क्या होता है आर कॉर्नर फेस लुक अलोंग द बॉडी डायगनल लुक अलोंग द बॉडी डायगनल के लॉन्ग देखो समझ गए किसके गायला देख रहे हैं बॉडी डायगनल के लॉन्ग पहला एटम ये हो गया वन मार्क्ड विद वाइट वाइट से बनाता हूं दिस इज फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर कौन सी होगी गाइस तुम देखो इस कॉर्नर से अटैच कितने फेसेस है जो कॉर्नर मैंने अभी मार्क किया है उससे अटैच कितने फेसेस हैं एक ये एक ये हाँ है ना और तीसरा कौन सा बच्चों आगे वाला गॉट इट और नॉट गाय तीनों के फेस सेंटर देखो एक दो तीन ट्राइंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा है थोड़ा बहुत इन तीनों के ये जो हमने तीन फेसेस हैं अटैच इस कॉर्नर से उन तीनों के फेस सेंटर उठा लिए दिस इज योर रेड ट्रायंगल अब आते हैं ये हमारी अगेन कौन सी होगी दिस इज अवर ये कौन सी लेयर है गाइस फोर्थ लेयर अभी एक और ट्रायंगल आना बनता है अभी एक और ट्रायंगल आना बनता है वो ट्राइंगल ये जो इस कॉर्नर के तीन एडजेसेंट फेसेस हैं समझ में आ रहे है नहीं आ रहे है इसके तीन फेसेस क्या हो गए एक ये दिख रहा नहीं दिख रहा है बच्चों बोलो गाय ये, ये, और तीसरा फेस क्या ये पीछे वाला गाय आर यू गेटिंग दिस और नॉट तो तुम्हारे पास ये हो गया ये सेकेंड लेयर ये थर्ड लेयर फोर्थ इज जस्ट बिलो द फर्स्ट लेयर किस तरीके से देखें समझ में आया नहीं आया बॉडी डायनल के लॉन्ग देख रहे हैं बॉडी डाइगनल के लॉन्ग गेट फोर लेयर टोटल फोर्थ लेयर लेयर सेम फर्स्ट ठीक है ना बच्चों ये कितने बच्चों क्लियर हो गया ये बताओ मुझे सबसे पहले तो क्लियर हो गया हर एक बच्चे को कोई डाउट नहीं कहा बताओ ओके okay. अच्छा बच्चों फेस सेंटर की बात करें एक चीज एक छोटी चीज में तुम्हें बताना भूल गया था तो लेट मी रीड फेस सेंटर यूनिट सेल बच्चों मैंने तुम्हें क्या बताया था मैंने तुम्हें कहा था कि जो फेसेस के सेंटर हैं वो किसको टच कर रहे होते गाइस दे आर टचिंग द कॉर्नर एटम्स हाँ या ना फेस के सेंटर आर टचिंग द कॉर्नर एटम्स ऑफ दैट फेस मतलब ये जो एटम है ये किसको टच कर रहा होगा इन चार को टच कर रहा होगा और ये चार आपस में टच नहीं कर रही होंगी इम्पोर्टेंट चीज क्या है ये जो हमारा फेस के सेंटर पे है इट विल द एडजेसेंट फेस का सेंटर टू इंपॉर्टेंट क्लियर है गाएस? कि ये जो है ये इनको भी टच कर रहा होगा किनको एक दो तो, तीन चार इसके एडजेसेंट फेसेस कौन कौन से हैं? चार होंगे नहीं होंगे चार बेसिकली इस फेस फेस के कौन से हैं? चार एक रूफ एक बॉटम फ्लोर और दो साइड तो ये जो एटम है कौन से वाले एटम की बात कर रहा मैं इस एटम की दिस विल बी टचिंग दीज फोर एटम्स टू समझ तो में आया नहीं आया ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई इट विल नॉट बी टचिंग दिस एटम बट इट विल बी टचिंग द एडजेसन वन क्लियर और नॉट ये चीज समझ गए बच्चों हर एक बच्चे को क्लियर है कि ये जो हमारा लेट मी मार्क दिस इज अ डिफरेंट पेन ये जो पिंक वाला इट इज टचिंग ऑल द फोर वाइट वन पिंक इज टचिंग All four white ones. सोच भी सकते हो ये लेंस जो है ये कितनी आने वाली है बच्चों हमने कहा पहली चीज एक चीज देखो फोर आर इक्वल टू रूट टू ए होता था हाँ है ना बच्चों ये होता था नहीं होता था यहां पे रिलेशन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा डू रियलाइज दिस विल बी दिस विल बी ए बाई टू दिस विल बी ए बाई टू तो दिस लेंथ विल भी ए बाई टू का होल स्क्वायर का रूट ए बाय टू एंड अगर तुम कहते हो लेंथ टू आर इक्वल टू ए बाय टू टू आर होना चाहिए इसका आर और इसका आर यहां से यही वैल्यू तो आ रही है आइडिया नॉट समझ में आ गया ये हमने कहा था कि कॉर्नर आइटम्स को टच कर रहा है ये हमने देखा फेस एडज फेस सेंटर एक दूसरे को टच कर रहे हैं समझ तो आया है नहीं आए इन एनी केस दोनों से रिलेशन सेम आ रहा है आइडियाइज दे आर टचिंग कोई डाउट किसी बच्चे को कहा बताओ मुझे सी सी बी पर आते हैं अब सी सी पी का हमने इतना बार तो कर लिया पार्ट तो समझ आ गया मैंने ये बता दिया मैटर ऑफ विजुअलाइजिंग कैसे विजुअलाइज करते हो अब क्या है बच्चों हमारे पास अभी तक हमने क्या दिखा एक ही एटम का एलिमेंट जैसे मैग्नीजियम एल्यूमिनियम यू आर गेटिंग द आइडिया राइट एक ही एलिमेंट का क्रिस्टल की बात करें हैपन जब तुम्हारे पास कटायन भी है और अन्य भी है तो जो बड़ा एटम होता है वो तो बनाता है मेन स्ट्रक्चर जैसे एफसी और उसके अंदर जो वॉइड्स हैं उनमें चले जाते हैं छोटे एटम्स क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो बड़े एटम्स हैं दे फॉर्म द लैटेस्ट और जो छोटे एटम्स हैं दे वर्ड और इंटरस्टीशीज ठीक है बच्चों ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई पहले ये बताओ मुझे हाँ बोलो के साथ दिखाया वो आता है बेटा वो आएगा, वो आएगा मैंने तुम्हें पूरा बना के नहीं दिखाया ये जो तो डोंट यू रियलाइज ये इधर भी होगा इधर भी होगा वो है एटम्स एट क्लियर है बेटा तो मैंने वो बस तीन बना दी जो क्लोजेस्ट थे उसके लेकिन इज तुम्हारे पास उससे ज्यादा होंगे ये जो कॉर्नर वाले हैं ये बेसिकली उसी लेयर के जो और एक्सटेंड करोगे वहां पे आएंगे करेक्ट तो मैं ये कहूंगा कि इसको याद कर लो सीसीबी सेम एज एफसी एचसीबी इज डिफरेंट ये बात अलग है कि जो तुम्हारा एचसीपी है और सीसीपी है उन दोनों के अंदर जो तुम्हारी पैकिंग है वो सेम इक्वली एफिशिएंट ठीक है गाइस ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों बोलो ये बताओ मुझे बोलो गाइस क्लियर हो गया हर एक बच्चे को गुड, nice. अब आते हैं नंबर ऑफ वर्ड इन क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर देखा क्या गया बच्चों जब एच सी पी है इन एच सी पी फॉर दैट मैटर सी सी पी एफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म लेटेज या हम कहेंगे यूनिट सेल की लेटेज यूनिट सेल से ही बना हुआ है देयर आर एन अगर एन एटम यूनिट सेल बना रहे हैं तो टू एन होते हैं उसमें टेट्राहेड्रल टेट्रा और n होते हैं ऑक्टाहेड्रल व कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो मैंने अभी बोला

इसका मतलब इस एफ के अंदर एट टेट्राहेड्रल वॉइड जाएंगे और चार ऑक्टाइडल वार्ड होंगे क्लोज पैर स्ट्रक्चर में अगर एन एडम्स आर फॉर्मिंग द लेडिस या यूनिट सेल तो देर बी टू एन टेट्राइडल वर्ड्स एंड एन ऑक्टाइडल वर्ड मतलब हम कह सकते हैं एफ के अंदर आठ टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे और चार ऑक्टाइडल वर्ड होंगे इन सी इन सी फोर एटम्स फोरम एफ सी सी दे में आया या नहीं आया बताओ गाय क्लियर हुई चीज या नहीं हुई क्लियर हो गया अब आते हैं इन एच सी पी एच सी पी के बारे में काम करते हैं Let us see some important stuff about HCP. ठीक है बच्चों एच सी पी में देखोगी तो सिंबल है एफ सी सी है यहां पर कॉर्डिनेशन नंबर ही पता है कितना होता है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है एफ सी सी के अंदर ट्वेल्व रिमेंबर ट्वेल्व होता है नहीं होता है एक एटम की जो क्लोजेस्ट एटम्स होते हैं दे आर 12, हाँ ना अब आते हैं एच सी पी के अंदर कितने होंगे मैं काम करूं डायग्राम कॉपी कर लू ऊपर से दैट वुड बी कन्वीनियंट एच सी पी का दिख गया अब इसमें कितने एटम्स देखो कॉर्डिनेशन नंबर इसका भी ट्वेल्व ही आएगा ठीक है ना बार देखते हैं कैसे आएगा पहले मैं कॉर्डिनेशन नंबर ही लिख हूँ कितना आएगा ट्वेल्व में तो, तो मैं पता ही है सीसीबी सेम एज उसमें नंबर होता है यहां पे कैसे होगा ट्वेल्व इस एटम की बात करते हैं टॉक अबाउट द पिंक एटम इसमें तुम्हें दिख रहे हैं छे आर इन द सेम लेयर एज द पिंक वन मै इन रेड की बात कर रहा हूं सिक्स आर इन द सेम लेयर लेर पिंक तीन ग्रीन नीचे और तीन ग्रीन ऊपर अब समझ में आया थ्री आर इन द लेयर अब थ्री आर इन द लेयर बिलो क्लियर और नॉट तो ये जो पिंक वाले का कांबर क्या आ गया बारह आ गया नहीं आ गया दिख रहा है ये ट्रायंगल ये हेक्सागन ये ट्रायंगल इस पिंक वाले के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आ रहा है बच्चों बारह कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक बोलो हाँ बेटा फिर से बोलना बेटा रेड वाले आ रहे सेम डिस्टेंस हाँ ग्रीन आइडिया इज जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है क्लियर है यहां तक कोई डाउट दे आर टचिंग दे आर बेसिकली टचिंग दैट पिंक वन दे आर टचिंग pink वन का मैंने हटा दिया पिंक ओके क्लियर हो गया तो कॉर्डिनेशन कितना है बच्चों ट्वेल्व z effective कितना है z effective CC में, CCP, CCP में कितना था बच्चों सी सी पी में z effective z effective मतलब total number of atoms inside unit cell कितने थे चार थे यहाँ पे z effective आता है six कैसे आएगा उसे देखो ये तीन ग्रीन तो बिल्कुल अंदर है अब आओ हेक्सागन के फेस सेंटर फेस सेंटर किसकी बात कर रहा हूं मैं इन दोनों ये कितने होंगे अंदर आधे आधे इसमें आधे ऊपर और नीचे वाले में है ना बच्चों इसके लिए ये जो पिंक वाला है ये आधा इसमें आधा ऊपर वाले में है ना गाय तो समझ आए नहीं आया बच्चों तो प्लस मैंने क्या कर दिया टू इंटू वन बाई टू इज फाइन क्लियर है तक. प्लस। में कितने है हमारे पास टोटल दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं ऊपर वाला एक्सेकेंड फेस और नीचा वाला भी ट्वेल्व इसका कंट्रीब्यूशन कितना है वन नहीं है गायस वन सिक्स ध्यान से देखो ये 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 रहा, ये रहा. तुमको one दिख रहा रहा, हमें दिख है. है. मैं ऊपर भी तो है। समझ आया नहीं नहीं आया बच्चों. चीज हुई हुई? या और ये ऊपर भी है मतलब ईच कॉर्नर एटम इज सराउंडेड बाय टू बी एग्जैक्ट सिक्स से आगन से दिख रहा नहीं दिख रहा है तीन नीचे वन, और तीन ऊपर गॉट इट और नॉट गायस कर दू टोटल कितने आ गए बच्चों आ गए, बच्चों। अब अगर सिक्स तो रिमेंबर गाइज फैक्ट रिमेंबर जो अभी हमने ऊपर बोला था इफ एन नंबर ऑफ एटम्स फॉर्म दैट यूनिट सेल दे मतलब यहां पे कितने होंगे 12 tetrahedral voids 6 octahedral voids इनकी लोकेशन की होपफुली तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो सारे के सारे लाई इनसाइड द यूनिट सेल जबकि जो टेट्राहेड्रल है उसमें कुछ आर लाइंग कंप्लीटली एंड सम आर बीइंग शेयर्ड गाइस समझ गए

आए ना बच्चों तो बेसिकली उसके अंदर जो तुम्हारा आता है यहां तक तो, तो समझ गए ना बेसिकली अब सी बी का भी मैं कह रहा हूं सेम है तो देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय बाईट कितने आइटम है बच्चो सिक्स इंटू फोर बाय थ्री पाई आर क्यू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हेक्सागोनल यूनिट सेल अब देखो देखोगाइज एक ट्रायंगल इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगा कैन आई सेट विल बी रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर होगा नहीं होगा इक्विलेटल ट्रायंगल है इनटू सिक्स कर दू दिस इज द एरिया ऑफ द हेक्सागन इन टू हाइट ये आ जाएगा हमारा पैकिंग एफिशियंसी समझ में आ रहा नहीं आ रहे बच्चों दिस विल बी वॉट दिस विल बी रूट टू फाइव बाई सी फोर परसेंट ओके गाइस क्लियर है आक हाइट कैसे निकली कैसे निकली उसको छोड़ दो मैं तुम्हें हाइट का फॉर्मूला बताया था दैट इज इंपॉर्टेंट हाइट इज टू रूट टू बाय रूट थ्री ए इसके लिए हम ऐसा नहीं निकाल नहीं सकते लेकिन इट इज बेटर यू लर्न इट ओके गाय टू रूट टू बाय रूट थ्री ए और ए क्या है बच्चों ए इज द डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट एटम्स ए क्या था बच्चों हमारा ये लेंथ है इफ यू रिमेंबर तो ए और आर के बीच में क्या रिलेशन आने वाला है खुद सोच के बताओ अगर ये ए है तो ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा कम ऑन गाइस यू कैन रिलेट ए विल बी कॉल टू आर है ना बच्चों समझ में आया या नहीं आया आ गया गाइस जब तुम ए की जगह डाल दोगे टू आर एच की जगह डाल दोगे टू रूट रूट सी ए तो पैकिंग ये आ जाएगी समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों जो कि तुम्हारी एफ सी सी की थी क्लियर और नॉट गाइस बताओ मुझे ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के लिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज बेसिकली सिक्स इन रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर इंटू एच ये याद रख लेना इन टर्म्स ऑफ आर अगर निकालना है ए को टू आर डालो एच को डालो टू रूट टू रूट थ्री ए और ए की जगह क्या डाल दिया टू आर तो ये फॉर्मूला क्या बन के आता है ट्वेंटी फोर रूट टू आर क्यू लड़ने जब इतने रट रहे हो तो एक फॉर्मूला और रटने में क्या दिक्कत है क्लियर है गाय ट्वेंटी फोर रूट टू आर क्यू दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल क्लियर है गाइस समझ गए डाउट किसी बच्चे को यहां तक पैकिंग एफिशिएंसी क्लियर हो गया अच्छा गाइस एक और चीज यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला कल लिखवाया था ना एच ये एच क्या था हाइट हाँ है ना बच्चों दिस वाज हाइट दिस थी एच हाँ है ना ये हमारा क्या है गायस इट है ओके हाइट को कई बार लिखा जाता है सी से हाइट डिनोट हाइट इज डिनोटेड बाई लेटर सी क्लियर है सी इज टू रूट टू बाय रूट थ्री ए इसका मैं यूज बताता हूं कहा है दिस इज दी गायके बच्चो क्लियर है यहां तक Height, height of एक बजाय आर की टर्म्स में भी दिया हो सकता है मैंने एक ही टर्म्स में ले लिया क्लियर है बच्चों? अगर ये दे रखा है तो इसमें बताओ कितने कितने तुम्हारे प्लेन आ सकते हैं कितनी तुम्हारी मैक्सिमम आ सकती है इन दिस हाँ। कैसे करोगे इनमें कितनी कितनी तुम्हारी आ सकती इस पे कितनी आ रखी थी ऑफ एटम्स दैट कैन बी इसमें तीन थी दिख रहा नहीं दिख रहा गाइस इसमें तीन लेयर्स थी तीन लेयर कौन कौन सी एक ये लेयर, एक ये लेयर एक ही लिया समझो आय नहीं आया बच्चों मैचेन नंबर ऑफ लेयर्स दैट यू कुड हैव अक्कॉम्पैटेड वाज हाउ मेनी थ्री अब ऐसे मान के चलो ये रहा ये रहा ये रहा ये इसका थ्री टाइम्स है हाँ ना बच्चों इसमें एक दो तीन इधर ये ये, ये। कितनी लेयर्स आ सकती हैं गाइस बोलो गाइस

एक ये दूसरा ये तीसरा बेटा तीन मैंने कवर कर ली अब इसमें तुम कितने एडजस्ट कर सकते हो एक दो तीन ठीक है ना बेटा क्लियर हुआ है नहीं हुआ गॉट इट और नॉट गाइस नाइस तो इसलिए बता रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तो उसके लिए यू नीड टू नो दिस रिलेशन कि इस लेंथ में तुम्हारे कितनी लेयर एडजस्ट हो हो गई गई थी तीन हो थी। और ये तुम्हारा क्लोज स्ट्रक्चर है अगर तुम मतलब तो ये नॉर्मली अगर क्लोज पैड स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो तुम एच के हिसाब से कर सकते हो इसे क्लोज पैट में हो सकता है वो एच ना देके सिर्फ लिख दे इन क्लोज पैर स्ट्रक्चर हाउ मेनी मैक्सिमम लेयर्स ऑफ एटम्स आर पॉसिबल तो आया नहीं आया क्लियर हो गई ये चीज गुड नाइस। तो मैंने तो एक आइडिया दे दिया इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं तो बेस्ट क्या यू लर्न दिस यू लर्न दिस हाइट का फॉर्मूला बच्चों क्लियर कितने बच्चों को हो गया कितने बच्चों को अभी थोड़ा बहुत डाउट है बोलोग हो गया क्लियर Nice. If you have it, it's great. बच्चों अब आते हैं नाउ कमिंग बैक कमिंग बैक टू आवर पैकिंग जो हम पैकिंग की बात करते हैं ना कि हमारे दो तरह की पैकिंग है एफिशियंट एच हो गया सी हो गया हाँ है ना अब हाँ मैंने ये भी बता दिया उसमें तुम्हारे पास सी के अंदर कितने डेटाइटल वर्ड होते हैं एट ऑकटाइटल कितने होते हैं फोर सी में बोला था CCB में टेट्राइडल वर्ड होते फोर होते सी बी में टेटराइडल वर्ड होते बारह ऑक्टाइडल उनकी पोजीशन और आइडेंटिफाई करते हैं एच में तो मैंने बताया था पोजीशन का होपफुली जरूरत ना पड़े सीसीबी इज वेरी इंपॉर्टेंट उसमें जरूरत पड़ती है तो लेट अस सी कि तुम्हें ऑक्टाइडल और टेटराइडल कहां पे देखने को मिलेंगे ठीक है ना गाइस उससे पहले में एक चीज बता दू ये शायद मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी इट वुड बैटर आइफ आई टेल यू अगेन क्या बच्चों स्टैकिंग सीक्वेंस मैंने तुम्हें बताया था कि दो स्टैकिंग सीक्वेंस तुम्हारे बहुत स्टेबल है कौन से सीसीपी और एच लेकिन और इन दोनों का ही एफिशिएंसी कितनी है पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम लेकिन अगर तुम ये लेयर लेते हो तो मुझे बताओ क्या ये एच या सी है ये इनमें से कुछ भी नहीं है इट इज अफ एच सी पी एंड सी सी पी टाइप हाँ है ना बच्चों तो आइडिया क्या है इसमें ऑल दो ये तुम्हारा ना एच ना सीसीपी लेकिन इसकी पैकिंग एफिशिएंसी वही होगी जो एच और सीसीपी की है क्योंकि आईडिया इज एक लेयर के ऊपर जो दूसरी लेयर रखी गई है दैट इज नॉट सेम एज द फर्स्ट लेयर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कहीं भी ए ए रिपीट हो जाता है ए ए ए के 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 बाद के बाद A, या के बाद B, या के बाद या या बी बी सी सी रिपीट होता तब तुम्हारी पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाती डिक्रीज कर जाती एज लॉन्ग एज सेकेंड डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट लेयर इट डज नॉट मैटर कि तुम कैसे स्टैक करते हो योर पैकिंग एफिशियंसी इज सेवेंटी फोर परसेंट समझ आया नहीं आया बच्चों क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई ये लो इन तीनों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन उठा लो इन तीनों में ही पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम पहला हमारा एचसीपी और सीसीपी का कुछ घिनौना मिक्सचर बनाया है हमने दूसरे वाला एचसीपी है, है तीसरे वाला सीसीपी है इन सभी की पैकिंग एफिशिएंसी इज सेवेंटी फोर परसेंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गया बोलो गुड इन स्टैकिंग सीक्वेंस नो लेस नो सेम लेयर रिपीटेड जस्ट आफ्टर नो सेम लेर इज रिपीटेड जस्ट आफ्टर फर्स्ट लेयर ए के बाद ए मत डाल देना जैसा अगर तुम्हारे पास ए सी सी बी ए बी सी है तो इसकी पैकिंग एफिशियंसी इज लेस देन सेवेंटी फोर परसेंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों बताओ गाय क्लियर हो गया गुड अब मैंने तुम्हें तो बताया था कि ऑक्ट्रा होते हैं दोनों में ही होते हैं एचसीपी में सीसीपी में ठीक है ना गाइस लेकिन उनकी पोजीशन क्या है इंपॉर्टेंट पोजिशन जरूरी क्यों है क्योंकि तुम्हारे पास इन आयोनिक क्रिस्टल्स आयोनिक क्रिस्टल्स का मतलब आयन प्रेजेंट है कटाइन भी प्रेजेंट है अन भी प्रेजेंट है गर आयन फॉर्म लेटेस्ट स्मॉलर आयन गोज इंटू इंटरस्टिशू स्मॉलर आयन गोज इंटू वर्ड समझ में आया नहीं आया बिगर अन आयन नॉर्मली होता है बिगर आयन नॉर्मली तुम्हारा क्या होता है नॉर्मली इट इज अनायन ओके, बिगर अनायन सॉरी बिगर आयन तुम यूजली देखोगे क्या है बच्चों अनायन और जो स्मॉलर आयन होता है वो होता है तुम्हारा कटायन नॉर्मली ऑब्वियसली बात है देयर कैन बी चेंज नॉर्मली तुम्हारा बिगर आयन क्या है अनायन स्मॉलर आयन क्या है कटायन क्लियर है बच्चों तो बिगर आयन आयन बनाएगा, से एफ बनाएगा, स्मॉलर में में चला जाएगा, टेट्राएडल में या में। क्लियर है या नहीं चीज बताओ ओके। okay. वर्ड का एक और नाम भी क्या होता है तो तुम्हें याद होगा हमने हाइड्रोजन में देखा था इंटरस्टीशियल याद आ रहा नहीं याद आ रहा इंटरस्टिशियल कंपाउंड हाइड्रोजन के उसमें करवाया था उसकी अच्छा एनी वे हाँ तो वही है आइडिया वही है इंटरस्टिशियल कंपाउंड है इंटरस्टिशियल में भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट है ओके बच्चों नाइस तो हम करते पोजिशन ऑफ ऑक्टाइडल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स पहले आते हैं ऑक्टा हेड्रल वर्ड्स पे लेट ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ऑक्टा हेडल वर्ड का मतलब ये हो गया ये कहां पे प्रेजेंट होता है मैं तो बताता हूं एक तो एफ में या सी में बॉडी सेंटर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं गाइस में एटम्स गाय प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे तो बॉडी सेंटर पे देर स्पेस दैट इज अ पोजिशन फॉर ऑक्टा हेडल वर्ड मुझे जो बॉडी सेंटर पे जो स्पेस होता है वो ऑक्टा हेडल वर्ड होता है क्लियर है बच्चों देखते हैं कैसे ऑक्टाइटल वॉल्ड के लिए तो मैंने तुम्हें बताया था दो तरीके देख सकते हो आजर यू सी टू ट्राइंगल और उनके बीच का जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं ऑक्टाइटल वॉल्ड उस तरीके से बताना इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था चार इधर एक ऊपर एक नीचे और बीच में क्या है ऑक्टाइटल वॉल्ड है हाँ ना बीच में क्या है ट्राइंगल में एक बार बना के दिखा रहा हूं दो ट्राइंगल ना समझ में आए छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं पे अटेंशन अभी थोड़ी देर पहले ये तीन बनाए थे yes. और दूसरा ट्राइंगल कहा बना था दूसरे कॉर्नर के फेस सेंटर को उठा के दो ट्राइंगल विजुलाइज हो रहे नहीं हो रहे हैं एक इस कॉर्नर से और एक इस कॉर्नर से इन दो ट्रायंगल्स के बीच में कौन बैठा होता है गाइस ऑक्टाहेड्रल वॉल विजुलाइज नहीं हुआ होगा आई एम प्रीटी श्योर विजुलाइज नहीं हुआ होगा तो क्या दिख गया हाँ वो मैं भी बनाऊंगा ये वाला मेरे को भी बनाना है ये वाला किसी बच्चे को समझ आया नहीं आया ट्राई टू विजुलाइज इट इन द रूम दैटिंग दिख रहा नहीं दिख रहा ट्राइंगल दिख जाएगा एक से. फिर दूसरे से, हमने अभी जो कॉर्नर लिया ऊपर वाला उठाया पिंक पिंक से तुम्हें दिख रहा नहीं दिख रहा है ऊपर वाला नेक्स्ट जाओ वर्टिकली मतलब अपोजिट डायरेक्शन नीचे वाला कॉर्नर और उसके जो तीन फेसेज है उनसे ट्राइंगल बनाने की कोशिश करो और इन दोनों ट्राइंगल के बीच का जो स्पेस है जो सही पूछा जाए बॉडी का सेंटर है उस पर क्या है ऑक्टाहेड्रल वॉल अगर ये विजुलाइज नहीं हो रहा तो डोंट पैनिक मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूं अ स्ट्रक्चर इज रिलेटिवली टू अंडरस्टैंड नहीं समझ में आ रहा तो डोंट पैनिक मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं वो स्ट्रक्चर तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा हमें क्या चाहिए बच्चों वॉट वी नीड इज समिंग लाइक एक स्क्वायर एक ऊपर एक नीचे मैं कह रहा हूं बॉडी के सेंटर पे क्या है ऑक्टाइटल वॉल्ड तुम ये देखोगाइटल वॉल्ड है अब देखो लुक एट द फोर वॉल्स लुक एट द फोर वॉल्स कौन कौन सी वॉल्स जो विच आर सराउंडिंग द ट्यूब हा बच्चे उसमें डू यू रियलाइज हर एक के फेस सेंटर पे एटम है ये चार दिख रहे नहीं दिख रहे गाय ये क्या बन गया हमारा बच्चों दिस इज अवर स्क्वायर दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों ये हमारा क्या बन गया स्क्वायर जो चार वॉल्स हैं उन चारों वॉल्स के फेस एंटे हमने उठा लिए और एक हो गया तुम्हारा ऊपर का एक नीचे का दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों मतलब तुम्हारे पास ये चार हो गए ये एक दो तीन चार और एक ऊपर एक नीचे प्लीज विजुलाइज नहीं वाइन तो ये जो व्हाइट में है ये क्या है ऑक्टाइटल वर्ड क्लियर होगी ये चीज ऑक्टाइटल वर्ड कहां पे प्रेजेंट है बच्चों Center of the FCC. ये एक position है क्या बॉडी Body सेंटर center. Body center. दूसरी पोजिशन होती है एज सेंटर तुम्हें याद होगा जब हम स्टार्टिंग में कर रहे थे बिल्कुल यूनिट सेल स्टार्ट कर रहे थे मैंने कहा था अगर एज सेंटर में आइटम प्रेजेंट है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है वन फोर्थ होता है इन साइड दूनिट सेल नो लेटर्स लुक एट Edge center पे in FCC. In FCC, edge center पे क्या होता है बच्चों वही रहेगा जैसे अभी हमने बनाया था यार तुम्हें समझ आया आया नहीं ये square और एक उपर, एक ऊपर नीचे कितने बच्चों को क्लियर हो गया ये जो रेड वाले हैं दीज आर आर फॉर्मिंग द एफसीसी और जो व्हाइट है स्मॉल स्पेस प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर रिजल्टिंग इन वर्ल्ड अब आते हैं इस पे बच्चों किस पे आते हैं गाइस इस वाले पे एज सेंटर पे एज का सेंटर मैंने उठा लिया ये वाला ठीक है ना बच्चों यहाँ भी तुम्हारा ऑक्टाइटल वार्ड दिखना चाहिए देखते हैं एक दो तीन चार पांच छ दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस कितने बच्चों को ये विजुलाइज हो गया वन सेकंड सॉरी वन गाइस जस्ट अ सेकंड दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों है नहीं दिखा यहां पे ये दो एटम्स हो गए कौन से वाले बच्चों कॉर्नर्स ये दो हो गए हमारे फ्लोर के फेस सेंटर ये हो गया ऊपर वाला फेस सेंटर ये हो गया नीचे वाला फेस सेंटर सो डू यू रियलाइज और नॉट एच सेंटर यू गॉट ऑक्टा हेटल वॉइड एच सेंटर यू गॉट ऑक्टा हेटल वॉइड तो टोटल ऑक्टा हेटल कितने होंगे बॉडी सेंटर कितना है पूरा इनसाइड लाए कर रहा है एज सेंटर कितने एजिस हैं गाइस 12 एजेस है और हर एक एज सेंटर पे कितना अंदर की तरफ लाए कर रहा है फोर्थ की फील जो एज सेंटर पे है दैट इज इनसाइड यूनिट सेल एक ये हो गया ध्यान से विजुलाइज करो ये वन ये टू ये थ्री ये थ्री ये फोर एक है चार यूनिट सेल से सराउंडेड है तो इंटू वन बाय फोर कर दो तो फील सही आ जाएगी मतलब हमारे पास टोटल ऑक्टाइड वॉर्ड इन साइड द यूनिट सेल कितने थ्री प्लस वन फोर है ना बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन में तो तुम क्या देखोगे बिगर आयन जैसे एनएसएल की बात करते हैं ये एक्चुअल केस है

in fcc tetrahedral voids in fcc they lie along body diagonal they lie along body diagonal at root 3a by 4 distance from corners रूट थ्री ए बाय फोर डिस्टेंस का मतलब है कॉर्नर से बेसिकली ए बाय फोर ए बाय फोर ए बाय फोर कॉर्डिनेट क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों इस कॉर्डिनेट पे फ्रॉम द कॉर्नर लाइट टेट्राहेड्रल हेडल देखते हैं डायग्राम देखते हैं समझ में आएगा ये मैंने एक बॉडी डायगनल उठाया आई टेक एन अ बॉडी डायगनल ओके गाइस। इस कॉर्नर से पूरी लेंथ कितनी होगी बच्चों ये रूट थ्री ए रूट थ्री ए फोर मतलब सही पूछा जाए तो ये ऐसे नीचे की तरफ यहां पे क्या लाए कर रहा है एक टेट्राहेड्रल वॉल कैसे लाए कर रहा है हम कहेंगे यार कॉर्नर से मतलब वेयर इज इट लोकेटेड एग्जैक्टली इस कॉर्नर को उठा के लेके चलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए हमें क्या चाहिए होता है बच्चों एक एटम एक ट्रायंगल और उन दोनों के बीच में क्या होता है गाइस टेट्राहेड्रल वॉइड एक एटम एक ट्रायंगल और इनके बीच में क्या बैठा होगा इन दोनों लेयर्स के बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड हाँ है ना ये कॉर्नर दिख रहा है गाइस रेड से मार्क कर देता हूं इसे ये कॉर्नर अब तीन जो फेस सेंटर है एक दो तीन दिख रहा है ट्रायंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों तो इन दोनों के बीच में इन दो लेयर्स के बीच में बॉडी हैव गॉड इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे बैठा होगा टेट्राहेड्रल वॉइड कहीं बीच में समझो आ रहा है नहीं आ रहा है क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई समझ गए नाइस ये कॉर्नर यह, यह बीच में मतलब एक उसके जो एडजेसेंट फेस सेंटर्स हैं उससे बना ट्रायंगल और उन दोनों के बीच में क्या बैठा हुआ है टेटरा हेटल नो लेट मी शो ऑल द एट टेटरा हेडल लेट मी शो ऑल द एट ए टेटरा कुछ इस तरीके से होगा एकदम से विजुलाइज कर जाओगे दिख रहा है बच्चों दीज ऑल द एट एट कॉर्नर है तो एट एट्राहेडल वर्ड होंगे हर एक कॉर्नर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक टोटल ट्रेट्रेडल वर्ड कितने आ गए एट ईच वर्ड एवरी कॉर्नर टेट्राइडल वर्ड फॉर एवरी कॉर्नर और ये अगर तुम बॉडी मतलब अगर तुम कोई ऐसा प्लेन बनाते हो अगर तुम कोई ऐसा प्लेन बनाते हो तो क्या वो किसी टेटराइडल वॉर्ड को कट करेगा अगर हम ऐसा कोई प्लेन बनाते हैं दिस काइंड ऑफ प्लेन तो विल इट कट एनी टेटराइडल वर्ड इट विल नॉट हाँ ना बच्चों? क्योंकि जो टेटराइडल वॉर्ड है वो टूअर्ड द कॉर्नर है हाँ, अगर हम ऑक्टाइडल वर्ड की बात करें और पिंक प्लेन की बात करें कौन कौन से कटेंगे बॉडी सेंटर कटेगा और चार एज सेंटर भी कटेंगे पे अटेंशन गाइस अगर हम यही क्वेश्चन बनाए कि हमने हमारे पास से एग्जांपल ले रहा हूं ए इज फॉर्मिंग एफ सी सी बी इज प्रेजेंट इन टैटराइडल वर्ल्ड सी इज प्रेजेंट इन ऑक्टाइडल्ड समझ आया ए इज फॉर्मिंग एफ सी सी बी इज प्रेजेंट इन टेटराइडल वर्ल्ड सी इज प्रेजेंट इन ऑक्टाइडल वर्ल्ड और हमें पूछा गया है ये प्लेन के अलॉन्ग मैंने सारे आइटम हटा दिए तो क्या क्या फर्क पड़ेगा क्वेश्चन बना के दू क्या बना देता हूं ये जो मैंने अभी प्लेन बनाया लेट मी दिस प्लेन जब मैं करवा ही रहा हूं तो लेट मी डू इट लाइक दिस ए फॉर्म एफ सी सी बीज प्रेजेंट इन ऑल टेट्राइट आर ऑक्यूपाइड

इस प्लेन के लॉन्ग सारे आइटम हटा दिए ए पे कितने का फर्क पड़ेगा इज गोइंग टू बी हाउ मच कॉर्नर्स तो कोई नहीं आ रहे लेकिन चार फेस सेंटर आ रहे हैं ट्राइड चार फेस सेंटर हमारे कटेंगे आए ना? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस। बी पे आते हैं बी आठ के आठ रहे सी पे आते हैं सी हम कहेंगे चार माइनस बॉडी सेंटर पूरा हट गया और चार हमारे एज सेंटर हैं क्लियर हुआ है ए बी फोर सू सी आएगा ए बी फोर सी आएगा ए टू बी एट सी टू या ए बी फोर सी बड़े ये देखो ना ये एज सेंटर एज सेंटर एज सेंटर एज सेंटर और एक बॉडी सेंटर समझो आया नहीं आया क्लियर हुआ नहीं हुआ नाउ you know. हर एक बच्चे को डन तो डुमे पता टाइटल टेटल कहां पे हैं तो मुझे एक चीज बताओ गाइस इंपॉर्टेंट चीज है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ये तुम्हें वैसे आएगा नहीं मेरे को ही करवाना पड़ेगा बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा कितना होगा बच्चों वैसे तो देखो गाइस कोशिश करोगे अगर तुम रूट थ्री बाई टू बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो कि पहली फीलिंग सीधी आती है रूट थ्री बाई टू क्यों क्योंकि ध्यान से देखो गाइस ये हमारा एक डायग्नल हुआ ये डिस्टेंस कितना है बेटा ये ये बॉडी डायगनल बना लिया मैंने ये बना दिया ये हो गया रूट थ्री बाय फोर यहां से ये हो गया रूट थ्री बाय फोर यहां से समझ तो आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा रूट थ्री बाय टू होगा नहीं होगा मैं काम करता हूं लेट मी मार्क इट वन टू दिख रहे हैं तीन कौन-कौन से मार्क किए मैंने ये वाला टेट्राहेड्रल ये वाला टेट्राहेड्रल ये वाला टेट्राहेड्रल कॉर्नर बोल रहा हूं मैं लेकिन व्हाट आई मीन इज द इन तीन कॉर्नर के कोरिस्पोंडिंग जो टेट्राहेड्रल वॉइड तो मुझे बताओ वन और थ्री के बीच का डिस्टेंस क्या होगा रियलाइज टोटल डिस्टेंस √3a होता है 1 और 3 में 1 इज √3a 4 फ्रॉम कॉर्नर दूसरे वाला भी रूट सी बाई फोर फ्रॉम कॉर्नर है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा डज दिस सीम करेक्ट हाँ बेटा हाँ मैं बता रहा हूं अभी गाइज ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई वन और थ्री के बीच का डिस्टेंस समझ आया नहीं आया अब आते हैं 1 और 4 के बीच 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस हमें देखना है कौन सा ज्यादा पास है गाइस एक काम करते हैं इसको कोऑर्डिनेट्स के थ्रू करते हैं 1 के कोऑर्डिनेट्स मान लो a/4 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 है 1 के कोऑर्डिनेट्स मान लो क्या है बच्चों a/4 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 मतलब मैंने उसे क्या मान लिया ओरिजिन मान लिया क्या मान लिया बच्चों मैंने उसे ओरिजिन 1 के जो 1 का जो कॉर्नर है उसे मैंने ओरिजिन मान लिया तो डू यू रियलाइज और नॉट जो हमारा टू है ध्यान से देखो देखोगा वन और टू को टू में डू यू रियलाइज एक्सचेंज हो रहा है वाई और जेड सेम रहेगा वन और टू में चेंज हो रहा है वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स विल बी सेम सोच के देखो वाई मतलब कितना हाइट में ऊपर है दोनों बराबर हाइट पे जेड मतलब इस एक्सिस के अलोंग कितना है सेम अंदर है समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों बट वर्ड अबाउट एक्स ऐसे सोचो अगर ये है, है, ये 000 है, तो टू क्या होना चाहिए ए, 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 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए टू कॉर्नर की बात कराओ शुड भी उससे हम ए बाय फोर ए बाय फोर ए बाय फोर शिफ्ट कर गए तो ट्राई टू विजुलाइज ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है थ्री ए बाय फोर ए बाय फोर ए बायर ये बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई कितने बच्चों के क्लियर है जो वाई एक्सिस है वो तुम्हारा वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है दैट इज सेम हाँ एक्स के अलॉन्ग इट इज बेसिकली थ्री ए बाई फोर वो कैसे आया ए माइनस ए बाई फोर कर दिया गॉट इट और नॉट कि दिस इज दैट ए डिस्टेंस और ए से हम ए बायोर लेफ्ट की तरफ चले गए आया नहीं आया तो प्लीज टेल मी ये डिस्टेंस कितना निकल के आने वाला है रियलाइज इट इज गोइंग टू बी ए बताओ दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस का स्क्वायर का रूट हा बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ कितने बच्चों की चीज बिल्कुल क्लियर है डिस्टेंस कितना आने वाला है बच्चों ए बाय टू हाँ है ना शॉर्ट एज डिस्टेंस तो ये निकल के आया क्लियर है गाइस क्लैरिटी बड़ी या नहीं बड़ी ये बताओ मुझे समझ गए आई डोंट थिंक इसमें कोई भी दिक्कत आनी चाहिए तो एक क्वेश्चन पकड़ा रहा हूं मैं तुम्हें बच्चों ये समझ गए ना ये मैंने कहीं लिखा नहीं है लिखा कि इट इज लाइंग कहीं लिखा है मैंने इसका हाँ लिख दिया लाया लॉन्ग बॉडी है ठीक है ना बच्चों कोई डाउट यहां तक ओके एक क्वेश्चन बी फॉर्म्स एच सी पी प्रेजेंट इन टू थर्ड ऑफ टेट्राहेड्रल हेडल फाइंड फॉर्मूला बी फॉर्म एच सी पी मतलब बी के कितने हैं बच्चों हमारे पास एच सी पी बेटा एच सी पी सी सी पी नहीं एच सी पी होगा बच्चों ए कितना होगा टू थर्ड ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड बच्चों कितना आ रहा है इतना आ रहा है हाँ है ना फॉर्मूला क्या आएगा प्लीज सेलमी बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई कोई डाउट किसी बच्चे को बोलो क्लियर हो गया सारा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ओके दैट्स नाइस अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेंसिटी डेंसिटी का फॉर्मूला तो मैंने करवा दिया था हाँ है ना उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जब क्वेश्चंस कर ही रहे हैं तो लेट सम मोर क्वेश्चंस ऑन डेंसिटी एज वेल स्टार्ट करें एलिमेंट ए है इट फॉर्म्स Yeah, it has BCC structure, body centered cubic structure. Edge length. Edge length is how much? 288 picometer. Density is given to us as 7.2 gram per cc. या सेंटीमीटर क्यूब ले लो फाइंड एटम्स इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट कितने एटम्स होंगे इन 208 हंड्रेड एंड एट ग्राम ऑफ एलिमेंट गाइस देखो ये मास दे रखा है मास से नंबर ऑफ एटम्स चाहिए यू नीड द एटॉमिक मास मास बाय एटॉमिक मास विल गिव मोल इनटू एन विल गिव अस आंसर तो गाइस अब ये जो डेंसिटी है दिस इज ऑफ यूनिट सेल कुछ नहीं दे रखा तो दिस इज नॉट डेंसिटी ऑफ एटम इज डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल ओके गाइस क्लियर है अब तक तो हम क्या कहेंगे फार्मूला देखो गाइस हमारा डेंसिटी क्या होता था जेड इफेक्टिव इन टू मोलिकास बाय एन ए ये क्या दे रहा है बच्चों बेसिकली दिस इज गिविंग मास ऑफ यूनिट सेल हा है ना डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यही होता था नहीं होता था क्लियर है भाई दिस इज द मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू इफेक्टिव दिल गिव द टोटल मास ऑफ यूनिट सेल एक तरीके मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल गिव अस डेंसिटी एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन लिखोगे तुम करोगे कुछ चीजों में दिक्कत आएगी जैसे जैसे तुम्हारी एक ही यूनिट्स डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो हमारी जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होना चाहिए वो किस चाहिए? में होना चाहिए सेंटीमीटर no क्यूब में होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल शुड बी इन सेंटीमीटर क्यूब या एज शुड बी इन सेंटीमीटर पिकोमीटर इज टेन इज दैट इज ऑफ नो हेल्प हमें मीटर में नहीं चाहिए हमें चाहिए सेंटीमीटर टेन इज यू माइनस टेन सेंटीमीटर और नॉट गाइस तो ये आ जाएगा टू एटी एट इंटू टेन पावर माइनस टेन का होल क्यूब कुछ समझे या नहीं गाइस? यहां से तुम्हारा अटोमिक मास आ जाएगा उसके बाद टू जीरो एट बाय अटोमिक मास इंटू एन ने विल गिव यू द आंसर। तुम रियलाइज करोगे कि सर जो आंसर जो उसके लिए हम ऊपर से ए नहीं निकालते हम एन ए बाई ए का एक्सप्रेशन देख लेते हैं वो आसान रहेगा वाई विल यू कैलकुलेट ए और उसके बाद फिर ए से डिवाइड करके एन ए से मल्टीप्लाई करो एन ए बाई की वैल्यू निकाल लो यहां से कोई दिक्कत है गाइस? बताओ बच्चों गुड दिस इज क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों बताओ मुझे क्लियर हो गया हर एक बच्चे को एक और तरीका है करने का ऑल I आई विल नॉट रिकमेंडेड क्योंकि ये तरीका तुम्हें करने की आदत है ठीक है ना गायज दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, समझ में आ जाए ठीक है नहीं समझ में आए तो एक तरीका तुम्हें पता है बेसिक आइडिया यही होता है। बच्चों हम क्या कहेंगे ध्यान से देखो गाइस, 208 हंड्रेड एंड एट ग्राम हमें दे रखे एलिमेंट के हाय तो उसकी हम एक काम करें उसकी वॉल्यूम देख लें 208 ग्राम एलिमेंट की वॉल्यूम कितनी होगी Density कर इतना 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 होगी. या या ना, इतना ML या इतना centimeter cube volume, centimeter cube भी लिखता मैं. मैटर ओके okay क्लियर है अब ये वॉल्यूम है इसमें यूनिट सेल्स कितने होंगे हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमें पता है क्या है गाएग? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल हा है ना बच्चों दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल क्लियर है गाय तो इतनी वॉल्यूम का मतलब कितने यूनिट सेल बच्चों बताओ गाय इसमें कितने यूनिट सेल होंगे इतने यूनिट सेल होंगे। अब एक चीज और ध्यान दो अगर इतने यूनिट सेल हैं और एक यूनिट सेल में कितने आटम होते हैं? बीसीसी दे रखा है हमें इतने यूनिट सेल हैं, हाँ है ना? और हमें पता है कि एक यूनिट सेल में क्योंकि हमें बीसीसी दे रखा है वी नो इन वन यूनिट सेल देर आर टू एटम तो इतनी यूनिट सेल्स में कितने आटम होंगे हाँ ये टफ लगा होगा दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर वच समझ में आया या नहीं आया बोलो आए पहले कौन सा तरीका बैटर लगा पहले वाला ना बस उसमें एक चीज मैं कहूंगा कि सारी क्वेश्चन बना के सॉल्व करना शुरू करना कहीं तुम कहो लाओ पहले ए निकालता हूं फिर मैं सॉल्व करता हूं उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा इतने नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल क्लियर है एक क्वेश्चन और लेते हैं फ्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस सेम टाइप एक्स रेड डिफ्रैक्शन ये ये स्टेटमेंट लिखी हुई है यू डोंट हैव टू पैनिक एक्स रे डिफ्रैक्शन से पता चला से पता चला स्टडी करी उससे पता चला कॉपर हैज एफ सी सी स्ट्रक्चर एज लेंथ हमें दे रखा है थ्री पॉइंट सिक्स जीरो एट इंटू टेन एवर माइनस एट सेंटीमीटर डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फाइंड अटोमिक मास ऑफ कॉपर अब ये मत कहना सर हमें एटॉमिक मास पता है इज निकालना है कर लोगे नहीं कर लोगे गाइस इसे एक्सप्रेशन बनाओ बच्चों डेंसिटी इज इक्वल टू करो गाइस एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन expression. Expression बन जाए तो चेक कर लेना यूनिट्स बच्चों यूनिट्स बहुत डेंजरस है यूनिट्स में कैलकुलेशन तो खराब है ही है एग्रीड कैलकुलेशन खराब है यूनिट्स भी कोई खास अच्छी नहीं होती बच्चों को कई बार इसी में कन्फ्यूजन आता है कि पीकोमीटर में दे रखा है सेंटीमीटर में क्या होगा माइनस ट्वेल्थ uh, मीटर एंड टेन बार माइनस टेन सेंटीमीटर ठीक है बच्चों, अच्छा। एक क्वेश्चन लेते हैं ए यू ए जी सॉरी इसका सी सी पी स्ट्रक्चर है एज लेंथ एज लेंथ हमें दे रखा है एज फोर जीरो एट पॉइंट सिक्स पिकोमीटर अटोमिक मास ऑफ ए जी दे रखा है एज हंड्रेड एंड सेवन पॉइंट नाइन यू फाइंड डेंसिटी इन ग्राम नहीं इन केजी पर मीटर क्यूब करो गाय करो बच्चों अब गाय यहां पे प्लीज बीच में यूनिट को चेंज मत करने बैठना जिस फॉर्मूले की आदत है वही लगाओ बाद में कन्वर्ट कर लेना ठीक है ना गाय क्या होगा आंसर डेंसिटी का पहले ग्राम पर एमएल में निकालते हैं या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हैं सीसीपी का मतलब क्या है बच्चों चार सिल्वर एटम्स इन वन यूनिट सर गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों प्लीज चलें समझ में आया नहीं आया के जी पर मीटर क्यूब इज सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू थाउजेंड क्लियर है गुड एक क्वेश्चन लेते हैं अनदर नाइस क्वेश्चन ए यू एफ सी सी लैटिस बनाता है एफ सी सी या सी सी पी मीन द सेम एजलेंस दे रखी है 4.242 पॉइंट फाइंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गोल्ड एटम्स ये क्या होगा बच्चों जरा बताना मुझे वॉट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गोल्ड एटम्स गाइस। ए बाय टू क्यू बेटा एफ सी सी था ना एफ सी सी में क्या होता है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर टू आर इज गोइंग टू बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सिल्वर एटम सॉरी गोल्ड एटम हमें जो डिस्टेंस पूछा गया है बिटवीन टू एटम्स वो क्या होगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इट इज गोइंग टू बी टू आर आये ना समझ तो में आ रहे नहीं आ रहे बच्चों क्लोजेस्ट डिस्टेंस इज सिंपली टू आर और हमें क्या पता है एफ बना रहा है ये मतलब फोर आर विल बी इक्वल टू रूट टू ए हमें ए दे रखा है ए से निकालो आर और टू आर इज योर आंसर समझिया नहीं समझे बच्चों Clear हुई ये या नहीं हुई कितने बच्चों को चीज बिल्कुल क्लियर है Closest के बीच का जो distance है वो कितना होगा और हमें रिलेशन बताया क्योंकि ये FCC बना रहा है four root two है हाँ ना बच्चों निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे इसमें नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे फॉर ईच गोल्ड एटम

बाई ए क्यू क्लियर नॉट गाय नहीं आया बच्चों ओके okay. लेकिन जो क्वेश्चन मैंने अभी दिया था उसी टाइप का मैं एक और देता हूं लेडेस सी रेडियस ऑफ एटम हमें दे रखा है एज सेवेंटी फाइव पिकोमीटर लेडिस टाइप इज बी सी सी लेटिस टाइप इज लेडिस बी सी सी वॉट इज एज लेंथ वॉट इज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या करोगे बच्चों क्या करोगे गाय इस क्वेश्चन में बताओ बच्चों बहुत बेसिक है रेडियस दे रखा है एज लेंथ पूछा है और हमें बता रखा है दैट इज द लेटेस्ट टाइप इज बी सी सी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होगा बच्चों ये खत्म और क्या करोगे गाइस फोर आर विल बी इक्वल डू रूट थी है. हो गया क्वेश्चन आर हमें दे रखा है ये निकालना है अब यहीं पे अगर मैं कह देता कि Closest distance is between atoms, between atoms is five hundred picometer. It forms FCC. Find Length of side of unit क्या करोगे बच्चों टू आर दे रखा है वेरी नाइस nice. और फोर आर इक्वल रूट टू है यहां से ए आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को

क्लियर हुआ है न्यू वॉर्क आयस बताओ मुझे यस सर को डाउट किसी भी बच्चे को गुड नेक्स्ट बच्चों हमने देखा है जेन ऑन क्रिस्टलाइजेशन एफ सी सी सेम वैल्यूज होंगी छोड़ो

मैं यही क्वेश्चन लेने वाला था लिख देता हूं जेनॉन हैज़ अ एज लेंथ ऑफ सिक्स ट्वेंटी पिकोमीटर फॉर्म्स एफ सी सी फाइंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस तो क्या करोगे बच्चों तो हम सीधे क्या कहेंगे फोर आर इज इकोन टू रूट टू ए और हमें आर नहीं निकालना हमें क्या निकालना है बच्चों टू आर इज योर आंसर क्लियर हो गया नाउ लेट अस गो ऑन टू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयनिक क्रिस्टल्स लेट अस गो ऑन टू आयनिक क्रिस्टल्स बच्चों हाँ बेटा जस्ट बच्चों सुनाई दे रहा है सबको ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ गाइस देखो मैंने तुम्हें तो एक चीज बताई थी कि जो आयनिक है उसमें आयन है दो तरह के आयन है एक छोटा आयन एक बड़ा आयन बड़ा आयन लेडिस बनाता है छोटा आयन वर्ड्स में जाता है क्लियर है गाइस तो अब हम क्या करेंगे गाइस हम देखेंगे आयन जो लेडिस बना रहे हो ठीक है जो हमारा छोटा आयन है वो कौन से वर्ड में जाए अभी तक तुमने दो ही वर्ड पढ़े थे टेटराइडल ऑक्टाइडल एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आता है क्यूबिक वर्ड तो आईडियस कौन से वर्ड में हमारा छोटा आयन जा रहा है वो किस पे डिपेंड करता है उसके लिए वी हैव गॉट रेडियस रेशो रूल्स वी रेडियस रेशो क्या है हमारे पास रूल्स है रेडियस रेशो रूल्स वी हैव गॉट For identifying के जो छोटा आयन है वो कहाँ जाएगा पहली चीज हम मान के चलते हैं कटाइन एंड अनियन मस्ट बी टचिंग वन एन अदर कटाइन एंड अनियन मस्ट टच सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या नान 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 जैसे नंबर क्या आता है बच्चों चार जो टेट्राइडल वार्ड है वो तुम्हारे चार एटम्स के वजह से जो वर्ड बनता है दैट इज योर टेट्राइडल वर्ड तो अगर टेट्राइडल वार्ड में कोई एटम है

कि वो अनायन को टच ही ना करे समझ में आया मैंने क्या बोला कि मिनिमम क्राइम हमारा इतना तो होना ही चाहिए कि कटायन एंड अनायन शुड बी टचिंग आइडिया इज इट शुड नॉट रेटल इन साइड रेटल तो हम समझ आती है ऐसा ना हो कि वर्ड का साइज बढ़ाओ और जो एटम उस वर्ड में रख रहे हो उसका साइज छोटा हो कि इन दैट केस वो क्या करेगा रेटल करेगा इट शुड नॉट रेटल इन साइड कटायन शुड बी टचिंग दर् परफेक्ट फिट हो वॉइड में परफेक्ट फिट होगा तो अनायन भी आपस में टच कर रहे होंगे और कटायन अनायन को टच कर रहा होगा दैट इज परफेक्ट फिट मतलब वॉइड के अंदर बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गया ना उससे बड़ा ना उससे छोटा छोटा होगा तो रेडल करेगा और अगर बड़ा होगा तो अनायन अनायन खुल जाएंगे बाहर अनायन का जो स्ट्रक्चर है वो खुल जाएगा अगर कटायन का साइज वॉइड से बड़ा है तो समझ में आया नहीं आया अगर हमारा कटायन का साइज तीन केसेस है अगर कटायन का साइज इज वॉइड तो वो रेयटेल करेगा जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए दैट इज समथिंग वी डोंट वांट उससे बढ़िया है कि बाकी दोनों कंडीशन चल जाए दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारा वॉइड में परफेक्ट फिट हो गया परफेक्ट फिट है इसका मतलब अनायन भी आपस में टच कर रहे हैं और कटायन भी अनायन को टच कर रहा है तीसरी केस में कटायन तो अनयन को टच कर रहा होगा लेकिन अनायन आपस में टच नहीं कर रहे होंगे क्योंकि तुम्हारा कटायन का साइज ग्रेटर देन उसने जो स्ट्रक्चर था द स्ट्रक्चर योर अनायन फॉर्मिंग उसको एक्सपेंड कर दिया समझ तो में आ आ रहा है है नहीं आ अगर वो के साइज से बड़ा है तो कटायन तो अनायन को टच कर रहा होगा बट अनायन विल नॉट बी टचिंग वन अनायन स्ट्रक्चर वो खोल देगा जो अनायन पहले एक दूसरे को टच कर रहे थे जब तुम एक बड़ा साइज का आइटम रखोगे वॉर्ड में कहा अनायंस एंड टच अनायंस जनरली डू नॉट टच जनरली डू नॉट टनरली डू नॉट टच बट मे टच इन क्रिटिकल कंडीशन क्रिटिकल लिमिटिंग कंडीशन लिमिटिंग कंडीशन क्या हो गया बच्चों के कटायन का साइज उतना है जितना तुम्हारा वर्ड का साइज है परफेक्ट फिट है परफेक्ट फिट में अनायन विल आल्सो बी टचिंग वन एंड अदर तीसरा कटायन जितने अनायन से अपने आप को सराउंड कर सकता है उतना बेटर कटायन विल सराउंड एट with as many animes as possible, as many animes as possible and vice versa. Okay guys, animes सारे कटावन्स को मतलब जितने का आगा, कटांस सराउंड कर सकते उतना करना चाहेंगे क्लियर है गाइस कोई डाउट यहां तक मतलब ये एक तरीके से हम क्या कहना चाह रहे हैं एफिशिएंट पैकिंग होनी चाहिए इसको हम क्या बोल सकते हैं एफिशिएंट पैकिंग होनी चाहिए दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से बाय दिस स्टेटमेंट एफिशिएंट पैकिंग इज व्हाट वी वांट एफिशिएंट पैकिंग अगर आयनिक क्रिस्टल है तो उसमें एफिशिएंट होगी और अगर उसमें कोवलेंट नेचर आ गया तो तुम्हारा डायरेक्शनल हो गया है सिंस कोवलेंट बॉन्ड इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड तो उसमें तुम्हारा हो सकता है कि ये कंडीशन ट्रू ना होल्ड करे क्योंकि उसके पास एक और रिलेशन भी है क्या हमें तो उसी डायरेक्शन में कटायन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अनायन चाहिएगा जो उसमें इन आती है क्लियर है मतलब अगर प्योरली आयनिक क्रिस्टल है तो विल ट्राई टू कट अराउंड कटायन विद एज मेनी एजन एज पॉसिबल ठीक है अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये जो रेडियस रेशियो मैंने भी बताया ये रेशियो अगर हमारा आर बाय आर है जीरो से बड़ा और जीरो पॉइंट वन फाइव फाइव से छोटा तो इसमें यू गेट अ लीनियर कॉन्फिग्रेशन यू गेट अ लीनियर कॉन्फ़िगरेशन लीनियर मतलब यू गेट अ लीनियर कॉन्फ़िगरेशन हम कहेंगे कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसके अंदर हम कटायन को बिठा सके आर इज द रेडियस ऑफ स्मॉल आयन कटन कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द बिग आयन अन स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कट बिग आर इज द रेडियस ऑफ बिग आयन छोटे आयन का रेडियस स्मॉल आर बड़े आयन का रेडियस बड़ा आर नॉर्मली छोटा आर कट होगा बड़ा आर अन होगा नॉर्मली क्लियर है बच्चों अब मैं कह रहा हूं अगर ये है R R की रेशो 0.155 से छोटी है तो कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसके अंदर हम कटायन को रख सके कुछ कटायन का साइज ज्यादा ही छोटा हो गया है समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों क्लियर है समझ आ रहा है अगर हमारा कटायन की रेशो जीरो पॉइंट वन फाइव फाइव से छोटी है तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है जहां पर तुम कटायन को रख सको इसमें तुम्हारी लीनियर कॉन्फिकेशन आती है लीनियर का मतलब ये अनायन ये कटायन ये अनायन

जैसे हमारा एफ सी सी है उसमें ऑक्टाइडल भी होता है और टेट्राइडल भी होता है तो उनमें से कौन से में जाएगा दैट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ कटायन एन दोनों ही वर्ड अवेलेबल है वो डिपेंड कर रहा है कि कटायन का साइज अनायन के कम्पेरिजन में कितना है उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा अनायन के जो वर्ड बन रहे टेट्राइडल और ऑक्टाइडल किसमें हम कटायन को भेजें क्लियर है यहां तक तो यहाँ पे लीनियर कॉन्फिग्रेशन है मतलब हमने कटायन को भी सेपरेट स्पेस क्लियर है पहले अनायन फिर कटायन फिर अनायन फिर कटायन लाइक दिस इट विल गो लीनियर कॉन्फ़िगरेशन मींस दिस दूसरे पे आते हैं अगर हमारी आर बाय आर रेशियो इसे क्या बोलेंगे लीनियर ऊपर वाला इज लीनियर स्ट्रेट चेन में अगर आर बाय आर रेशियो 0.155 से बड़ी है किससे बड़ी है 0.155 है या उससे बड़ा है और कहां तक जा रहा है जीरो तक कहां तक जा रहा है बच्चों 0.225 तक जा रहा है इसमें हमारे पास एक आता है ट्रायंगुलर वॉइड क्या आता है बच्चों ट्रायंगुलर वॉइड आता है वी हैव अ ट्रायंगुलर वॉइड गाइस तो उसमें हमारा कैटायन किस में जाएगा ट्रायंगुलर वॉइड बहुत छोटा साइज है हमारा कैटायन का तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर वॉइड नाम की चीज होती है उसमें हम भेजेंगे कैटायन ट्रायंगुलर वॉइड कैसे बनता है तुम्हें फील आएगी कि सर ये तो आप टेट्राहेड्रल बना रहे हो

तो ये जो वर्ड बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं बच्चों ट्राइंगी में जो हमारा वर्ड बनता है उसे बोलते हैं इसी को अगर थ्री डी में बना रहा होता तो ये क्या बन गया होता टैट्राइडल टाइप मतलब ये हम किस में देख रहे हैं बच्चों टू डी के अंदर कोई डाउट किसी बच्चे को तो यहां पे इस पे ट्राई टू अंडरस्टैंड पे अटेंशन ये जो है दिस इज

जब r बाय आर जीरो पॉइंट वन फाइव फाइव है तो न केवल कटाइन इज टचिंग द अनायंस द अनायंस आर आल्सो टचिंग वन अन समझो आया नहीं आया बच्चों क्लियर है गाइस? अच्छा एक चीज और होती है देर इज समथिंग नोन एज लीगेंसी लीगेंसी इज द नंबर ऑफ अनायंस टचिंग अ कटायन कोऑर्डिनेशन नंबर लीगेंसी क्या होता है बच्चों लीगेंसी इज नंबर ऑफ

एक कटाइन को कितने नाइन टच कर रहे तो, दो लीगेंसी इज टू इन लीनियर यहां पे लिगेंसी क्या आने वाली बच्चों नीचे वाले यहां पर लीगेंसी इज गोइंग टू बी थ्री हाँ बेटा बोलो नहीं नीचे और ऊपर का नहीं है लीनियर नहीं वन डी क्लियर है गाइस समझ में आया या नहीं आया बच्चों पक्का गड तो नीचे वाले का हमें समझ आ गया लीगेंसी क्या होगा बच्चों थ्री अब आते हैं आर बाय आर रेशो हमने ली जीरो पॉइंट टू फाइव फाइव से लेके जीरो पॉइंट फोर वन फोर ये लिया हमने इसमें तुम्हारा एटम या आयन गोज इनटू द टेट्राहेड्रल वॉल क्लियर है गाइस भी किस में जाएगा जो स्मॉलर आयन है वो किसमें जाएगा बच्चों कब होगा और जैसे हम जीरो पॉइंट टू, टू टू फाइव से बढ़ाना शुरू करेंगे अनायन विल वन मतलब इस वैल्यू पे कटायन इज टचिंग टचिंग और इसे जैसे ही बढ़ाओगे कटायन तो अनायन को टच करता रहेगा लेकिन अनायन अनायन आपस में टच करना छोड़ देंगे समझ आया नहीं आया आएगा अब आते हैं जीरो पॉइंट फोर वन फोर से जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू इसमें जो एटम है वो किस में जाएगा बच्चों जो छोटा आयन है रेजर वो किस में जाएगा ऑक्टाइटल वर्ड 0.414 पे इट इज परफेक्ट फिट क्लियर है गाइस और जैसे 0.414 जब बढ़ाओगे तो तुम्हारा एनायन विल स्टॉप टचिंग वन अनदर स्ट्रक्चर खुल गया गाइस इसमें टेट्राहेड्रल वॉर्ड में लिगेंसी क्या होगी बच्चों इसमें लिगेंसी क्या होगी बोल चार होगी हाँ है ना कितने एनायन आर टचिंग द कटायन? चार यहां भी लीगेंसी क्या होगी सिक्स होगी कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को हाँ बेटा बोलो बेटा रेडल का मतलब ये है कि जैसे ट्रायंगलर की बात करते हैं अगर मैं इसमें एक छोटा साइज आइटम रख लेता हूं इतना छोटा तो रेडल का मतलब सो आ रहा है इट इज फ्री टू मूव इनसाइड दैट वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर वो कहीं भी घूम रहा है

ऐसे पैसे ये मेरा कटायन लिया है मैंने ये अनायन लिया समझ आया नहीं आया ये भी चल जाएगा हमें लेकिन ये नहीं चलेगा कि बीच में वो रैटल कर जाए इट इज फ्री टू मूव मूवमेंट उसकी रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चा हाँ अरे आई टू आंसर दैट क्वेश्चन बेटा तुमने सच्ची में रेडल को है ना वर्चुअल उस टर्म में उठा लिया रेडल आइडिया समझ आया नहीं आया सर फिजिक्स में पढ़ा है क्या तभी मैं कहूँ ग्लीज समझ में आया नहीं आया रेडल का मतलब रेडल का मतलब है कि कटायन नॉट टचिंग द अनायन ठीक है ना बच्चों का साइज ये चीज़ हुई हुई या 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 नहीं का का साइज़ 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 तो के के ही का हो या के से बड़ा हो इन विच केस विल स्टॉप टचिंग ठीक है ना गाएस? अब हम आते हैं नेक्स्ट पे आर बाय जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू से लेके वन टली वन वन से कम इसमें जाता है ये क्यूबिक वर्ड में तुम कहोर क्यूबिक वर्ड तो हमने पढ़ा ही नहीं पहले मैं बता दू क्यूबिक वर्ड होता क्या है समझ आ रहा है कॉर्नर पे एटम्स पे प्रेजेंट है एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है एटम ओकेगा सिंपल क्यूबिक सिंपल यूनिट सेल हाउ बच्चू क्या बनाया हमने या सिंपल यूनिट सेल उस प्रीमेटिव यूनिट सेल के सेंटर पे बॉडी सेंटर पे देर इज अ वॉइड ट्राई टू अंडर सिंपल यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे देर इज अ वॉइड हाँ या ना समझ आ रहा नहीं आ बच्चों क्यों भी वॉइड का मतलब क्या है सिंपल यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे वॉइड इज़ क्यूबिक समझ में आए नहीं आया बच्चों ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई सिंपल यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे जो वर्ड होगा स्पेस होगा उसे क्या बोलते हैं क्यूबिक क्लियर है, है तो यहाँ पे लिगेंसी क्या होगी अगर हमारा सिंपल यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे हमने कटायन रख दिया तो इट विल बी टचिंग हाउ मेनी बच्चों ऑल द कॉर्नर आइटम्स आर टचिंग फॉर मैं बना देता हूँ। ऑल तो मुझे पूरा यकीन बनाने की जरूरत नहीं है बच्चे समझ गए हैं बट स्टिल हम क्या कह रहे हैं क्यूबिक वर्ड कहा बॉडी सेंटर ऑफ अ सिंपल यूनिट सेल दिस इज द पोजिशन ऑफ अ क्यूबिक बच्चों क्लियर है तक तो बात है है ये जो हमारा हमारा हो गया? अब अगर one है, one का मतलब समझो हम कहना चाह रहे हैं साइज सेम नहीं हम कहेंगे बेसिकली वी आर सेइंग कटान एंड अनायन आर सेम मतलब हमने एक मतलब, देखो अगर कटान और अनायन ले रहे हो तो उनका साइज कभी भी एग्जैक्ट सेम नहीं आने वाला हाँ ना कटान का साइज कुछ होगा अनायन का साइज कुछ और होगा आर बाय आर इक्वल टू वन का मतलब ये है कि सेम एटम द कटान एंड अनायन आर सेम का मतलब हो गया तरीके वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्रिस्टल मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम हाँ

अगर हम आयनिक मान के चल रहे हो तो कटायन का भी डिफरेंट। R by R equal to one का मतलब मतलब ये एटम रीडियस को हमने पूरा यूनिट सेल बनाया है। हमें जो भी एफ सी सी का एग्जाम्पल है आर बायर टू वन का मतलब ये हो गया जैसे अभी हमने एफ सी सी के कई एग्जाम्पल के थे क्वेश्चन इज़ वॉट आई एम अबाउट मतलब वहां पे तुम्हारा जो एटम that, एक ही वन में, तुम्हारे पास या तो होगा या क्या होगा बच्चों हाँ और लीगेंसी की आने वाले बच्चों इन दैट केस क्लोजेस्ट एटम्स कितने आने वाले हैं फॉर एनी गिवन एटम 12 गाइस 12 एफसीसी के अंदर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है जब सेम एटम्स हैं सेम एटम की बात करें एक ही एटम से हमने पूरा क्रिस्टल बना दिया तो डू यू रियलाइज और नॉट तुम्हारा लिगेंस इज गोइंग टू बी 12 कोऑर्डिनेशन नंबर इज गोइंग टू बी 12 yes, समझ में yes, आया नहीं आया क्लियर हो गया yes, मतलब आर बाय आर इक्वल टू वन का मतलब है एक ही एटम से हमने पूरा यूनिट सेल बना डाला पूरा लैटिस बना डाला

ऑर्डिनेशन नंबर समझ में आया नहीं आया बच्चों ये कितने बच्चों को क्लियर है कितने बच्चों को इसमें डाउट है अब तुम कहोगे आर बाय आर ग्रेटर दिमाग में तो आता है ये चीज तो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर आर बाय आर ग्रेटर अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब तुमने कटाइन और नायन गलत चूज कर लिया आइडिया इज ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंपली कि हमें तो क्या चाहिए छोटा आयन बाय बड़ा आयन

मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ सपोजिंग ये आ रहा है, है तो हम क्या कहेंगे कौन से बच्चों टेट्राइड्रल में जाएगा लेकिन सपोजिंग आर वाय आर की रेशो आ रही है 1.5 तो तुम क्या कहोगे ओके इसका मतलब ये है कटायन बड़ा है अनायन छोटा है तो एक काम करो R बाय आर की रेशियो निकाल लो इट विल बी वन बाय वन पॉइंट फाइव अब देखो कटायन विल बी फॉर्मिंग द लैटिस एंड अनायन विल बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है मतलब तुम्हारी R बाय आर की रेशियो मैक्सिमम कहां तक जा सकती है one. वन तक वन से ऊपर नहीं जाएगी वन से ऊपर जाएगी इसका मतलब तुम्हारा तुमने आयन जो चूज किया है वर्ड में भेजने के लिए वो गलत चूज किया है क्लियर है तो ये चीज समझ गए ना अगर कटायन बड़ा अनयन छोटा है तो आर बाय आर हम उसी हिसाब से लेंगे छोटा आयन बाय बड़ा आयन की रेशो r को लूंगा स्मॉलर आयन का रेडियस और कैपिटल आर को लूंगा बड़ा आयन का रेडियस ओके बच्चों कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक बोलो टेल मी क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को गुड अब आते हैं ये जो रेशो आई है आई कहां से समथिंग इंपॉर्टेंट ये जो रेशो हमने निकाली कैसे निकाली ट्रायंगुलर वॉइड पे आते हैं सबसे मैंने ऊपर लिखा था ना ये टर्म वॉइड कहीं नहीं ट्रायंगुलर वॉइड टर्म लिखी है तो ट्राइंगुलर वर्ड से स्टार्ट करते हैं स्टार्ट विद ट्रैंगुलर वर्ड बच्चों ट्राई एंगुलर वन सेकेंड बच्चों जस्ट गिव मी वन सेकंड लेट मी फाइंड दैट रेशो फॉर यू ये हमने ले लिया दिख रहा है बच्चों हम कहेंगे परफेक्ट फिट परफेक्ट फिट का मतलब ये हमारा कटायन हो गया ओके बच्चों ये है या नहीं है गाए? ये है हाँ ना ये लेंथ क्या होगी

क्लियर होगी ये चीज ये दोनों लेंथ बराबर है थर्टी एंगल आने वाला है तो अब मैं लिख सकता हूं आर बाय आर प्लस आर क्या आएगा बच्चों बोलोगिट है ये हमारा परफेक्ट फिट है इन टू द ट्राइंगुलर वॉल्ड

क्लियर है बच्चों अब आते हैं अच्छा बच्चों एक चीज ऑब्वियस चीज है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं मुझे बताओ अगर एक एटम टेट्राइट में जा रहा है क्या वो ट्रायंगुलर में भी जा सकता है अगर कोई एटम टेट्राहेड्रल वार्ड में फिट हो रहा है तो क्या वो ट्रायंगुलर में फिट नहीं हो सकता कंडीशन तो उसके लिए भी ट्रू रहेगी रहेगी या नहीं रहेगी अगर टेटरा में फिट हो रहा है फिट इन देंस या तो लिमिटिंग केस में या उसका साइज बड़ा है oh, अगर वो हेडल में उसका साइज से बड़ा या उसके बराबर है तो ट्रैंगर से तो उसका बड़ा ही होगा uh -huh. हाँ है ना? अगर उसका से बड़ा साइज है तो ट्रैंग से भी ज्यादा होगा तो हमने उसे ट्रेंगुलर में क्यों नहीं डाला क्योंकि तुम्हारी पैकिंग काफी इन हो जाएगी जैसे जो ऑक्टा में आइटम जा रहा है वो टेट्राहेड्रल वार्ड में भी जा सकता है टेट्राहेड्रल का तो साइज छोटा है अगर वो में परफेक्ट परफेक्ट फिट फिट आ रहा है न, लेता तो टेट्राहेड्रल हेड्रल में भी वो बैठ लेकिन वार्ड में जो तुम्हारी पैकिंग है वो हो जाएगी, लेकिन जितना तुम उसे छोटे वार्ड में घुसाने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा इनएफिशिएंसी बढ़ती जाएगी हाँ है ना समझ में आ गया एक बच्चों क्लियर होगी ये चीज गुड तो टेट्राइडल वार्ड को देखते हैं टेट्राइडल वार्ड के लिए एक जर्नल तरीका बता रहा हूं मैं सॉल्व करने का पे अटेंशन हम कहेंगे टेट्राइडल वार्ड की पोजीशन क्या होती थी इन एफ सी सी रूट थ्री बाय फोर फ्रॉम कॉर्नर है ना बच्चों एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस पे अटेंशन ओवर हियर और फिर मुझे बताना समझ में आया नहीं आया ये हमने लिया इसकी बात कर रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे है रूट थ्री ए बाई फोर हा है ना ये टेट्रा हेडल वार्ड की पोजीशन है क्या मैं टेट्राइडल कॉर्नर से टेट्राइडल वार्ड के डिस्टेंस को आर प्लस आर लिख सकता हूं कॉर्नर से टेट्राइडल वॉइड का जो सेंटर है उसको मैं आर प्लस आर लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूं ये हमारा कैपिटल आर हो गया ये हमारा टेट्राइडल वॉइड में जो परफेक्ट फिट का हमने एटम रखा है ये उसका आर हो गया तो डू यू रियलाइज पोजीशन ऑफ टेट्राइडल वॉइड फ्रॉम कॉर्नर जो रूट थ्री बाई फोर है दैट इज नथिंग बट आर साइज ऑफ बिगर आयन द आयन एट द कॉर्नर एंड द साइज ऑफ द स लिखा हाँ हाँ है

ये तो पहले वाली कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू इट इज ऑलवेज ट्रू बच्चों, ये है लिमिटिंग केस में लिमिटिंग केस का मतलब क्या हो गया कि टचिंग वन ये होल्ड ट्रू कर भी सकता है अगर परफेक्ट फिट है कटायन होल्ड ट्रू ना भी करे अगर कटायन का साइज इज बिगर देन द साइज ऑफ वॉल समझ आ रहा नहीं आ है बच्चों ये तभी होल्ड ट्रू करता है ना ये कंडीशन क्या होती है कि हमारे एटम्स आर टचिंग कॉर्नर एटम्स आर टचिंग द फेस सेंटर याद है या? बच्चों ये है जब हमारे आर टचिंग वन जो बना ये वहां से आ रहा है मतलब अनायन टचिंग वन अनदर का केस है ये और जो कटायन टचिंग वो पहले लिख दिया मैंने ये ऑलवेज होल्ड ट्रू करेगा एंड दिस विज ओनली होल्ड ट्रू इन द लिमिटिंग केस क्लियर है बच्चों तो यहां से आर बाय आर की रेशियो क्या आएगी तुम एक काम करो यहां से ए को एमिनेट करो तो आर बाय आर की रेशियो आएगी तुम्हारी क्या बच्चों रूट थ्री बाय टू माइनस वन विच विल जीरो पॉइंट टू टू फाइव क्लियर है बच्चों समझ में आया नहीं आया कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है टेल मी दैट हर एक बच्चों क्लियर है? Is ये है ये परफेक्ट बड़ा होगा जीरो पॉइंट टू फोर फाइव होगा तो इट विल फिट इंटू दिस कंडीशन विल होल्ड टू दिस विल नॉट होल्ड समझे समझा नहीं समझेगा हर एक बच्चों क्लियर हो गया नाइस अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ऑक्टाहेड्रल वॉइड को पहले इसी तरीके से बताता हूँ जिस तरीके मैंने अभी इसे समझाया है ठीक है ना बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड में इट इज प्रेजेंट वेयर गाइस ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे होता है बॉडी सेंटर पे और एज सेंटर पे इन एससीसी इट इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर तो मैं ये काम करता हूँ बॉडी सेंटर से भी तुम विजुलाइज कर सकते हो लेकिन मैं एज सेंटर से विजुलाइज पहले करवाता हूँ अगर हमारा कटायन इज टचिंग द दनायन कटाइन इज टचिंग द दस तो क्या मैं कह देता हूं ये है हमारा कटायन और इधर दोनों पे क्या है बच्चों अनायन हाँ है ना बोलो क्लियर प्रेजेंटेड सेंटर एंड द बॉडी सेंटर बच्चों हाँ है ना बोलो ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई तो क्या मैं कह सकता हूं कटाइन इज टचिंग कैन टू आर प्लस टू आर इक्वल टू ए बोलो एज मैं. मैं लिख सकता हूं दो टू कैपिटल आर प्लस टू स्मॉल आर इक्वल टू ए बताओ बच्चों चीज समझ में आई नहीं आई पक्का समझ गए गुड और दूसरी कंडीशन ये है ऑलवेज विल ऑलवेज बी टचिंग द anion. And what will hold true in the limiting case? Anions touching one another. मतलब I 4R mean, equal to root 2A. Please tell me समझ में आया नहीं आया? This is in. This is in the limiting case. This is in the limiting case, बच्चों. I hope it is clear to you. कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल clear है? Clear है? लिमिटिंग गेज दोनों में सेम था एफसीसी की बात कर रहा हूं मैं ठीक है ना गाय कटाइन टचिंग द अनायन ये है तुम बॉडी सेंटर वाले को भी देख सकते हो बॉडी सेंटर पे जो है तुम यहां से देखो ये लेंथ कितनी है बच्चों टू आर यहां पे एक फेस सेंटर पे कैपिटल आर होगा यहां पे फेस सेंटर पे कैपिटल आर होगा तो टू टाइम्स कैपिटल आर प्लस टाइम्स स्मॉल आर विल बी इक्वल टू एज लेंथ हाँ है ना बच्चों ये लेंथ ये वाली ये लेंथ की बात कर रहा हूँ कितने बच्चों को चीज़ बिल्कुल क्लियर है जो मैंने अभी बोला हरे बच्चों क्लियर हो गया गुड यहां से जो रिलेशन आएगा आर बाय का वो आएगा रूट टू माइनस वन विच इज जीरो पॉइंट फोर वन से क्लियर हो गया बच्चों अब ये तो हमने कहां से आइडेंटिफाई किया बाय यूजिंग द पोजीशन ऑफ ऑफटर एडल्ट इन एफसीसी एफसीसी में हमें पता है कि ऑक्टा हेडल वर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है था 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 था। ये हमने वहाँ से निकाला है ये हमने कहाँ से निकाला है उस पोजिशन से निकाला है इसको तुम वैसे भी सोच सकते थे पे अटेंशन का इसको ऐसे भी सोचा जा सकता था विदाउट गोइंग इन टू ए विदाउट गोइंग इन टू द पोजिशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड से भी करा जा सकता था कैसे मैं बताता हूं वैल्यू दोनों सेम ही आती दो किसी भी तरीके से करो वैल्यू सेम आएगी यहाँ पे हम एज लेंथ में ही नहीं रहे ये मैंने चार बना दिए दिख रहा है बच्चों ये हमारे चार बन गए ये क्या हो गए हमारे ये बेसिकली ये जो तुम्हें दिख रहा है गाइस चार को ये नहीं बनाता था मैं ऐसे 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 ये मैंने वो बना रखा है ऊपर नीचे और नीचे वाले मैंने नहीं बनाए आए ना बच्चों क्लियर हो गई ये चीज हर बच्चों क्लियर है अब यहाँ पे जो बीच में ये ऊपर नीचे वाला मैंने नहीं बनाया ये और ऊपर और नीचे वाला मैं नहीं बना रहा तो दिस इज गोइंग टू तो बी योर ऑक्टाइड्रल वॉइड मैटम हाय ना बच्चों ये लेंथ कितनी है गाइस ये लेंथ कितनी होगी बच्चों ये लेंथ क्या होगी टू आर हाँ या ना बच्चों और ये लेंथ क्या होगी बच्चों 2r ये एंगल कितना होगा बच्चों 45 स्क्वायर है तो क्या मैं कह सकता हूँ 2r by 2r plus 2r will be कोई साइन 45 हाँ या ना बच्चों कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं यहां से r by r क्या आएगा it is going to be again green... हाँ बेटा कुछ कह रहे हो तो अच्छा अभी करता हूँ अगेन इट इज कमिंग आउट जीरो पॉइंट फिर से वैल्यू क्या आ रही है इतनी ही आएगी निकाल के देख लेना रूट टू माइनस वन समझे नहीं समझे यहाँ पे मैंने उसकी पोजीशन से आइडेंटिफाई नहीं किया आई जस्ट द वर्ड एंड आई आइडेंटिफाइड कैसे होएगा क्लियर है बच्चों अब आते हैं क्यूबिक वर्ड पे कर लिया नोट ये बेटा नोट कर लिया है, कर रहे हो अभी यस सर हो गया अब आते हैं क्यूबिक वर्ड गो ऑन टू क्यूबिक वर्ड के लिए भी हम पोजीशन से आइडेंटिफाई करेंगे ठीक है ना गाइस विल आइडेंटिफाई फ्रॉम पोजीशन ट्राई टू गाइस यहां पे प्रेजेंट है लैटिस में आर द एटम्स फॉर्मिंग द लैटिस बताओ बच्चों दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल एटम्स फॉर्मिंग द द लैटिस आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स और कॉर्नर के जो बॉडी मतलब इस यूनिट सेल की जो बॉडी सेंटर है उसपे क्या है क्यूबिक वॉइड हा है ना बच्चों सिंपल यूनिट सेल है जिसके बॉडी सेंटर पे देर इज अ वर्ड विच इज नोन एज क्यूबिक वॉइड समझ गए अब पहली चीज कौन सी कंडीशन विल ऑलवेज होल्ड ट्रू टू आर प्लस टू आर इक्वल टू रूट थ्री ए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों बॉडी डायगनल के लॉन्ग गए बड़ा आर दो छोटे आर फिर एक बड़ा आर इज इक्वल टू रूट थ्री ए दिस इज ऑलवेज होल्डिंग ट्रू दिस इज ऑलवेज इट ऑलवेज होल्ड ट्रू कट इज टचिंग द और लिमिटिंग केस में क्या होगा अनायंस टचिंग वन है ना कैन आई सी यू हैव टू कैपिटल आर इक्वल टू ए यही तो होता है सिंपल यूनिट सेल में जब अनायंस मतलब ये अगर एटम आपस में टच कर रहे हैं तो कैपिटल टू आर विल बी इक्वल टू ए यहां से हमारा आर बाय आर क्या आएगा बच्चे इट विल कम आउट रूट थ्री माइनस वन जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू क्लियर है गाइस समझ में आया नहीं आया बच्चों yes. कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई okay. हो गया क्लियर कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक गायस लेटस टॉक अबाउट फैमिलीज ऑफ आयनिक सॉलेट्स Solids. पहला एन ए सी एल टाइप एनए सी एल टाइप आयनिक क्रिस्टल्स इसमें क्या होता है बच्चों गाइज एक और काम की चीज में बता दू बिफोर आई गो ऑन टू दिस एन ए सी एल टाइप से पहले मैं बता दू गाइज ये जो हमने यूनिट सेल में देखा कि वर्ड्स की हमने पोजिशन देखी राइट क्लियर है बच्चो अब इसमें जब भी हम आयनिक क्रिस्टल बनाएंगे वही कटायन आर गोइंग इन टू दर्ल्ड आयन आर फॉर्मिंग लैटिस एक चीज ऑलवेज टू होनी चाहिए दैट यूनिट सेल शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये मत करना कि छह क्लोरीन है या चार क्लोरीन है और एन तुम्हारे कितने हैं तीन उस टाइप से नहीं चलेगा देर शुड बी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए इन क्रिस्टल क्रिस्टल के बजाय हमें कहें, ये भी कह सकते हैं देर शुड बी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन यूनिट सेल समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है किसी बच्चों को डाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा बच्चे क्लियर है यहाँ तक अच्छा गाइज मैं एक छोटी चीज पूछ रहा हूं तुमसे बिफोर आई गो ऑन टू क्रिस्टल्स आयनिक सॉलिड की फैमिलीज के डिस्कस करने के बजाय पहले एक चीज और बता देता हूँ अगर मैं अनायंस कटायन को अनायन से छोटा मान रहा हूँ कटायन को अनायन से छोटा मान रहा हूं अनायन इज अरेज अराउंड कटायन कटायन एंड कटायन को सेम रखा मैंने कटायन सेम अनायन का साइज डिक्रीज कर रहा हूं साइज डिक्रीज कर रहा हूं तो तुम्हारी लिगेंसी क्या होगी बच्चों बढ़ेगी घटेगी गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड थोड़ा विजुलाइज करके देखो हम अनायन का साइज छोटा करते जा रहे हैं no. ये कटायन है लियन विल एक्चुअली इंक्रीज गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने साइज छोटा कर दिया अनायन का तो ये ऐसा नहीं बना देगा अनायन का साइज छोटा कर दिया पहले अनायन इतना बड़ा था अब अनायन का साइज छोटा कर दिया तो दे आर फोर अनायन अराउंड अ सिंगल कटायन अनायन देखो गाइज अनायन को मैंने सराउंड किया कटायन को सराउंड किया अनायन से कटायन का साइज सेम रखा अनायन का साइज में छोटा करता गया तो लिगेंसी क्या करेगी इट विल इंक्रीज 3 4 इट कैन बी इवन 6 समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड कटायन का साइज सेम रख रहे हो अनायन का साइज छोटा करते जाओगे तो इट विल टेक मोर अनायंस टू तो सराउंड द कटायन ऐसे समझो जब अनायन का साइज छोटा करते जाओगे Increase हाँ तो इट विल रिक्वायर मोर अणाइंस टू कंपलीटली सराउंड द कटाएं तो लिगेंसी क्या करेगी बच्चों इंक्रीज करेगी हाँ बेटा बोलो सर तो फिर कमने निर्मोटिंग कैसी है और जैसा कि तुम सारे तची कर रहे होंगे तो क्योंकि अगर हम छोटा करें हमने सारे तो और सराउंड कर देंगे हाँ

ठीक है ना गाय नाउ कमिंग टू क्रिस्टल क्रिस्टल फैमिलीज़ पहला एन ए सी एल टाइप बच्चों क्लोरीन सीएल माइनस का साइज बड़ा है एन ए प्लस का साइज छोटा है तो सीएल माइनस फॉर्म एफ सी सी तो सीएल के कितने आयन होंगे बच्चों हमारे पास सीएल के कितने आयन होंगे 4. 4 Cl Clear है बच्चों? कितने होंगे? 4. FCC बना रहे हैं. देखा गया, radius के हिसाब से ऑप्टल कितने हो गए बच्चों ऑप्टाइटल वॉइड कितने होते हैं चार चार होते हैं बॉडी सेंटर में सारे मिला के तीन तो तुम्हारे पास चार एन ए प्लस हो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों समझ में आया नहीं आया देखो एक और चीज यू हैव टू रिमेंबर अगर सीएल माइनस चार है तो एन ए प्लस फॉर न्यूट्रलिटी कितने होने चाहिए चार ही होने चाहिए देखो खैर तरीका क्या होता है आइडेंटिफाई करने का वो बताता हूँ सीएल माइनस एफिशियंट पैकिंग में क्या बनाएगा एफसी और तुम्हें देखना है कि एन ए कहा जाएगा उसके लिए तुम रेडियस रेशियो देखोगे वो रेशो क्या आ रही है कि इट मस्ट बी गोइंग इनटू टू वॉइड फिर तुम चेक करो कितने यूज हो गए हम कहेंगे भाई चार एनए प्लस तो का मतलब हो गया चारों के चारों ऑक्टाइडल वॉइड मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाय एन एस समझ में आया नहीं आया बच्चों हाँ बिल्कुल वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं देर इज अ पॉसिबिलिटी

तो ये चीज ना सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बड़ा आयन है उससे सबसे एफिशिएंट पैकिंग करवा दो फिर देखो कटायन कौन से वार्ड में जाना चाहिए फिर न्यूट्रलिटी के हिसाब से देखो कितने उनमें से वार्ड ऑक्यूपाइड होंगे हो सकता है कि कुछ भी रह समझिए क्या पैटर्न ये है कोऑर्डिनेशन नंबर पे आते कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन ए प्लस कितना होगा भाई ऑक्टाइड वार्ड में गया हुआ है कितने से सराउंडेड होगा छाइनस से सराउंडेड होगा है ना बच्चों क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाय नहीं आ रहा कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ एन ए प्लस कितना होगा सिक्स सी एल माइनस कितना होगा सिक्स अगेन बताता हूं कैसे अब देखो बच्चों यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज पे अटेंशन

एन्य तुम्हें याद है मैंने बताया था कटाइन के लिए क्लोजेस्ट इज अनायन के लिए क्लोजेस्ट इज इस इस देखो इसके लिए क्लोजेस्ट एन एन ए है बच्चों एक दो तीन चार पांच दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों सीएल के लिए बना रहा हूं मैं सीएल के लिए क्लोजेस्ट कटाइन कितने हैं छे दिखे नहीं दिखे गाइस छ ये सिक्स नंबर ऑफ सी थोड़ी ना है बेटा ये कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एल है सिक्स मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लोरीन तो चार ही है हमारे पास क्लोरीन एक यूनिट सेल में चार है हम कॉर्डिनेशन नंबर देख रहे हैं एन प्लस जो बॉडी सेंटर पे है उसके लिए क्लोजेस्ट जो है वो कौन कौन से है फेस सेंटर वाले जो बॉडी सेंटर पे है उसके लिए तुम्हारे पास जो बीच में बॉडी सेंटर में जो प्लस है उसके लिए सीएल CL क्लोजेस्ट कितने हैं सेंटर वालों के लिए भी क्लोजेस्ट सीएल CL कितने होंगे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है जिसको हमने सिंपली कह दिया कि ऑक्टाइटल वॉर्ड पे जो एटम होता है उसके लिए क्लोजेस्ट The atoms forming the doctor, word, वो छ होते हैं है ना? हमें सीएल के लिए देखना जरूरी था कि कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों तो सीएल देख के बता दिया इट इज गोइंग टू बी सिक्स हाँ बेटा बोलो क्या कह वो जो स्टेटमेंट अभी ऊपर लिखी थी उसको जाओ ठीक है बच्चा ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी ये बताया कि ये जो क्लोरीन एटम है कौन सा वाला है पिंक में जो क्लोरीन एटम है उसके लिए क्लोजेस्ट कटायन कितने होंगे 6 बच्चे कोई डाउट किसी बच्चे को क्लियर हो गई ये चीज गुड सेकंड पे आते हैं यहां तक तो कोई डाउट नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का क्या है 6 6 6 अच्छा बच्चों टोटल NaCl यूनिट्स कितनी होंगी इनसाइड द यूनिट सेल चार चार एन ए प्लस है चार सी एल मान तो चार एन ए सी एल यूनिट दूसरे पे आते हैं पेल टाइप अभी हमने लिया था, टाइप. ना तक? इसके भी लिख दूनए सी एल टाइप के एग्जाम्पल लिख दू वन सेकेंड बिफोर आई गोन्ट सी एस सी एल टाइप एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल होते है आर बी Agbr ए जी बी आर फोर सी एल एन एच फोर बी आर फोर आई क्लियर है बच्चों अब आते हैं सेकेंड सी एस सी एल टाइप बच्चे यहां पे बीस तुम्हारा कटायन छोटा है अनायन बड़ा है तो हमारा क्या होता है बच्चों? सीएल माइनस फॉर्म्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एंड सी एस प्लस इज प्रेजेंट इन द क्यूबिक वॉइड क्लियर हुआ है नहीं मैं बच्चों यहां पे जो रेडियस रेशो है वो क्यूबिक वॉइड की आती है किसकी आती है रेडियस रेशो 0.732 से थोड़ा बड़ा रेडियस रेशियो क्या आती है 0.732 से थोड़ा बड़ा तो हमारा एल माइनस क्या बना रहा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है और सी एस प्लस कोई डाउट यहां तक हरेक बच्चे क्लियर है तो सी एल माइनस कितने होंगे बच्चों इन साइड यूनिट सेल कितने होंगे नहीं बनाता क्योंकि तुम्हारा जो वॉइड है क्यूबिक वॉइड वो तुम्हारा सिंपल क्यूबिक में बनता है और जो कटायन है इट विल गो इन टू द क्यूबिक वॉइड अब बताओ सीएल माइनस कितने होंगे इनसाइड द यूनिट सेल अगर वो सिंपल यूनिट सेल बना रहा है एक सीएल माइनस और सी प्लस अगर क्यूबिक वॉइड में क्यूबिक वॉइड भी हमारा सिंपल यूनिट सेल में एक ही होता है तो ये लाइ वन सी एस प्लस आया नहीं आया बच्चों हाँ बेटा बोला ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा ठीक है ना बच्चों, यहां तक क्लियर होगी ये चीज क्लियर और नॉट गुड, कोऑर्डिनेशन नंबर आते हैं सी एस प्लस पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एस प्लस कितना होगा बच्चों आठ बारह क्यों भाई बॉडी सेंटर पे है बॉडी सेंटर पे है ऑफ अ सिंपल यूनिट सेल इसे क्लोजेस्ट इसके क्लोजेस्ट अलायस कौन से वाले होंगे ये बताऊंगे कॉर्नर वाले और कॉर्नर कितने हैं आठ बॉडी सेंटर पे सी प्लस है उससे इट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी कॉर्नर एटम्स एट सी माइनस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है इट इज अगेन एट सी माइनस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कम्स आउट एट बच्चों कैसे एट आया उसे देखो कैसे एट आया उसे देखो बच्चा हाउ डू यू गेट कॉर्डिनेशन नंबर एज ये है सी एल माइनस है इसके लिए जो क्लोजेस्ट है वो कौन है सी एस सी एस इज द क्लोजेस्ट सी एल माइनस के लिए क्लोजेस्ट क्या होगा सी एस डू नॉट कि तुम्हारा यहां पे इस कॉर्नर एटम के लिए क्लोजेस्ट ये है इसके लिए क्लोजेस्ट ये है ट्राई टू अंडरस्टैंड ए किधर इस यूनिट सेल टू थ्री फोर चार नीचे की तरफ चार ऊपर की तरफ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों वन टू थ्री फोर चारों नीचे की तरफ बनाए चार ऊपर की तरफ हो डू यू रियलाइज दैट और नॉट गाइज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी माइनस क्या आ रहा है एट सी माइनस के लिए हम क्लोजेस्ट सी देख रहे हैं अच्छा बाई चांस क्वेश्चन बाई चांस क्वेश्चन में मैं कहता ये मुझे चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वाला टॉपिक जो अभी आगे करवाना है सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताने वाला था मैं ठीक है ना बच्चों उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे अभी नेक्स्ट पे आते हैं हाँ बेटा बोला वन सेकंड बेटा हाँ तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया नहीं आया कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का क्या है एट अच्छा कितनी टोटल सी एस सी एल यूनिट होंगी इन साइड यूनिट सेल कितने सी एस सी एल यूनिट होंगे जैसे एन सी एल के चार आए थे ना सी एस सी एल के कितने होंगे बोलो गाइस एक होगा नहीं होगा और भाई सी एस एक है और तुम्हारा सीएल भी एक है हाँ है ना बच्चों इनसाइड द यूनिट सेल समझे तो आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों क्लियर हो गई ये चीज तो हमारी टोटल सी एस सी एल यूनिट इन साइड दूनिट्सल इज वन कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक गुड थर्ड पे आते हैं जेड एन एस टाइप इसमें क्या होता है बच्चों यहां पे आती है प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है गाइस प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम क्या आएगी एस टू माइनस फॉर्म्स एफसीसी और जो जेड एन टू प्लस है उसको किसमें जाना चाहिए था और आठ एस टू माइनस कितने हमारे पास यूनिट यूनिट सेल? सेल? कितने कितने चार तो ZN two plus भी होने चाहिए चार और ये जा रहा है आए टेट्राहेड में टेट्राइडल वर्ड होते हैं आठ इसका मतलब आठ में से ओनली हाफ ऑफ द टेट्राइडल वॉर्ड विल बी ऑक्यूपाइड ऑल्टरनेट टेट्राइडल वॉर्ड आर ऑक्यूपाइड ये R बाई आर रेशो के हिसाब से शुड हैव गॉन इनटू ऑक्टाइडल मैंने तुम्हें बताया था ऑक्टाइडल के बजाय टेट्राइडल में भी जा सकता है इन एफिशियंसी आएगी और इन एफिशियंसी कौन सा मॉलिक्यूल हैंडल करेगा जिसमें कोवलेंट नेचर ज्यादा है Zn got, has got higher covalent nature

पोजीशन ऑल्टरनेट का मतलब क्या है ऑल्टरनेट को विजुलाइज करो बच्चों ऑल्टरनेट का मतलब यह है अगर ये कॉर्नर है तो उसके एडजेसेंट कॉर्नर हटा दो मैं एक काम करता हूं मैं बना के बताता हूँ दैट वुड कन्वीनियंट ये दो ठीक है ना बच्चों ऐसे सोचो ये डायगनल और इसके ऑपोजिट फेस का दूसरा डायगनल क्या होगा इसके ऑपोजिट फेस कौन सा है ये वाला दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों इसमें ये और इसका ये दीज आर द फोर ऑल्टरनेट टेट्राइडल वॉइड ट्राई टू विजुलाइज एक ये डायगनल लिया मैंने एक ये लिया दीज आर द ऑल्टरनेट टेट्राइडल वॉइड विच आर ऑक्यूपाइड समझ में आया नहीं आया बच्चों बॉडी ट्राइंगल से थोड़ी क्लैरिटी बढ़ी नहीं बढ़ी व्हाट आई मीन बाय अल्टरनेट एट्राइडल वॉर्ड थोड़ा बिजी रहे हाँ बेटा फीलिंग नहीं आ रही फीलिंग आनी तो चाहिए थी ये और हमारा होल्ड ऑन सेक बेटा होती है थोड़ा नहीं विजुलाइज हो आप भी, भी। थोड़ा बेटर आना चाहिए क्लियर है बच्चों दीज आर द अल्टरनेट टेट्राइडल वर्ड विच आर ऑक्यूपाइड अल्टरनेट का मतलब ही ये है जैसे ये कॉर्नर अगर ऑक्यूपाइड है इस कॉर्नर का मतलब टेट्राइडल वर्ड ऑक्यूपाइड है तो ये 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 आउट हो गए उसके जो एडजेसेंट कॉर्नर है देर आउट समझ गए बच्चों तो कोऑर्डिनेशन नंबर बाय एंड टू प्लस के लिए क्या होगा ये तो आसान है क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन वॉइड क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों इट इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉर्ड टेट्राहेड्रल वॉर्ड में प्रेजेंट है क्या आएगा? चार आएगा एस टू माइनस के लिए क्या होगा यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है ठीक गाइस ट्राई टू तो अंडरस्टैंड S2 माइनस इस फॉर्मिंग एक्सीसी उसके लिए थोड़ा विजुलाइज़ करो थोड़ी तबीयत खराब होने वाली है इसमें मैं बताता हूं तुम्हें दिस इज टफ कि Zn2 प्लस के लिए क्या होगा हाँ बेटा अर्ण? क्या कॉर्नर एटम बेटा हाँ मैंने क्या बताया था, 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 बाकी तो था. बोला था बेटा मैंने देते तो कौनर, तो कौनर नहीं अच्छा ये जो मैंने बताया था बेटा ये tetra, अगर इसका प्रेजेंट है तो इसके जो एडजॉइनिंग हैं ये 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 विच आर डायरेक्टली लिंक टू दिस वन इनकेस्पॉन्डिंग टेट्राइडल वार्ड पे नहीं बैठा हुआ तो आ है नहीं आ है क्लियर हो गई ये चीज गड मैं बस ये बताना चाह रहा था चाहताइडल की पोजिशन बताना चाह रहा था का मतलब हो गया जो मैंने रेड से मार्क करा हुआ occupied, है हमारा ये हमारा एस टू माइनस बैठा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आने वाला है उस पर ध्यान दो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आने वाला है उस पर ध्यान ये एस टू माइनस है इसके लिए एक तो यही ऑक्यूपाइड है ना एक ये होगा ऑल्टरनेट कहा था ना ऑल्टरनेट बताया था मैंने ये ये कौन सा है उसको यूनिट चलते आइडेंटिफाई करो वन टू थ्री फोर पहला जो हमने लेफ्ट साइड में जो रेड बनाया है ये जो मैंने दूसरा बनाया है ये वाला अगर पहले वाला एक वन में प्रेजेंट है अच्छा गाइस एक चीज और वन टू थ्री फोर मैंने बनाए लोअर वाले इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू इज टू सेवन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू थ्री एंड एट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू फोर्थ मतलब चार ऊपर वाले भी तो लेंगे ना तो गाइज इसमें जो ऑल्टरनेट की फील आ रही है सारे सारे तो हमारे ऑक्युपाइड है नहीं आधे भरेंगे आधे नहीं भरेंगे तो मैं बताना चाह रहा हूं ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है दिस इज इन फर्स्ट यूनिट सेल दिस इज प्रेजेंट इन थर्ड यूनिट सेल नॉट सेकंड थर्ड समझ आया नहीं आया बच्चों ये पहले यूनिट सेल में प्रेजेंट है ये कौन सी यूनिट सेल में प्रेजेंट है बच्चों थर्ड थर्ड में कोई डाउट यहां तक और फिर दो और प्रेजेंट होंगे सिर्फ दो ही प्रेजेंट होंगे आउट ऑफ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एक कॉर्नर एटम कितने टेट्राइडल वॉइड से सराउंडेड है आठ से एक कॉर्नर एटम कितने टेट्राइडल वॉइड से सराउंडेड है एट चार नीचे तो चार ऊपर अब मैं कह रहा हूं ऑलरेडी टेट्राइडल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड मतलब हमारे चार में प्रेजेंट होगा चार में नहीं होगा मैं ये बताना चाह रहा हूं कौन से चार प्रेजेंट होंगे कौन से चार प्रेजेंट नहीं होंगे मैं कह रहा हूं वन होगा थ्री होगा उसके बाद एट होगा, होगा समझ में आया नहीं आया बच्चों मतलब मैं इसको लिखता हूं वन फाइव टू सिक्स थ्री सेवन फोर एट कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों ऐसे है, ऐसे दे आर ऑक्यूपाइड टेटरा स्ट्रक्चर बन रहा है ऑलमोस्ट कि दो नीचे इन वन प्लेन दो ऊपर लाइक दिस कुछ फील आ रही है नहीं आ रही बच्चों तो हमारे कौन कौन से यूनिट सेल के प्रेजेंट है वो बता रहा हूँ मतलब एक तुम्हारा ये वाला यूनिट सेल एक तुम्हारा थर्ड यूनिट सेल ये वो है जो दो नीचे थे और दो ऊपर में हमने कौन से वाले उठा लिए ये और ये वाले समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है Guys, ये 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 समझ गए ना कि ये इधर ये इधर फिर एक इस तरफ एक इस तरफ ये जो मैं बना रहा हूं ये ऊपर की तरफ है ये जो ग्रीन वाले जो मैंने अभी बनाए दो ऊपर सर्कल में ये दो ऊपर की तरफ है और ये दो कहां पे जा रहे हैं बच्चों नीचे जा रहे हैं कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है लेट मी नो यू श्योर गायस टू माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा

तो एस टू माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है बच्चों फोर टोटल कितने ZnS एन यूनिट होंगे इनसाइड साइड द यूनिट सेल चार चार होंगे चार जेड एन चार एस टू माइनस समझ में आया नहीं आया बच्चों हाँ बेटा डू नोट इट डाउन ऑलरेडी टेटा एडल वर्ड तुम समझ गए होगे आई थिंक इट इज प्रेटी मच क्लियर नाउ गुड एग्जाम्पल्स सी यू सी एल सी यू बी आर सी यू आई ए जी आई ओके बच्चों नाइस अब आते हैं फोर्थ पे तीन हो गए ना हमारे फ्लोराइड टाइप फ्लोराइड टाइप बच्चों फ्लोरा फ्लोराइड टाइप का मतलब होता है ए बी टू टाइप ओके बच्चों क्लियर है? जिसका एग्जाम्पल हो गया सी एफ टू इसमें ए टू प्लस दिस इज द बिगर आयन सी इज़ बिगर एफ इज स्मॉलर। तो सी ए टू प्लस फॉर्म एफ इसका मतलब एफ माइनस कितने होने चाहिए बच्चों

सी ए टू प्लस कितना होगा बच्चों सी ए टू प्लस का कॉर्डिनेशन नंबर क्या होगा कॉर्नर एटम की बात कर रहा हूं वो कितने टेट्राइडल वॉर्ड से सराउंडेड होता है एक कॉर्नर एटम कितने टेट्राइडल वॉर्ड से सराउंडेड होता है आठ टेट्राइडल वॉर्ड से होगा नहीं होगा ऊपर वाले में मैंने ऑल्टरनेट नहीं लिए थे अगर सारे ऑक्यूपाइड होते कॉर्नर एटम एस टू माइनस के तो कितने टेट्राइडल वॉर्ड से सराउंडेड होता एट से और F माइनस कितने से सराउंडेड होगा इट इज प्रेजेंट इन डेटर वॉइड इट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी सी ए टू प्लस चार, चार. आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों F माइनस इज सराउंडेड बाय प्लस क्लियर और नॉट कितने बच्चों की चीज बिल्कुल क्लियर हो गई हो गया गुड एग्जाम्पल हाँ बेटा बोलो गाइस एग्जांपल नोट कर लेना अभी मैं ये बताता हूँ कैसे आ रहा है एफ माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहे हो सी टू प्लस का पूछ रहे हैं एफ माइनस तो टेट्राइडल वॉइड में है बेटा तो टेट्राइडल वॉइड के लिए तो वैसे ही हमें बताया कोऑर्डिनेशन नंबर इज ये टेट्राइडल वॉइड है यहाँ पे मतलब तो टेट्राइडल वार्ड का तो तुम ये वाला डायग्राम देख लो ना गाइस एक दो तीन और चार और बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड है समझ आ रहा है नहीं आ रहा है क्लियर हो गया ये है तीन ये हो गए इफ यू आर एबल टू विजुलाइज दिस और इनके बीच में है टेट्राहेड्रल वॉइड तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा नहीं आएगा बच्चों 4 क्लियर हुई ये चीज नहीं हुई गाइस क्लियर हो गया कितने cf2 यूनिट्स हैं टोटल इनसाइड द यूनिट सेल C F units, चार चार सी ए टू प्लस है, F है. ना फिर, एंटी टाइप, एंटी टाइप, जिसमें तुम्हारा क्या आता है एन ए टू टाइप इसमें ऑक्सीजन ये बिल्कुल फ्लोराइड का ऑपोजिट हो गया ये वो था हमारा ए बी टू दिस इज ए टू बी टाइप दिस इज ए टू बी टाइप बच्चो क्लियर है यहां तक कोई डाउट इसमें ओ एग्जाम्पल लेते हैं एन ए टू इसमें ऑक्सीजन फॉर्म एफ सी सी तो एन ए कहा प्रेजेंट होगा बच्चों अगर ओ टू माइनस एफ सी सी बना रहा है तो एन ए प्लस कहां पे होगा क्योंकि तुम्हें आठ एन ए प्लस चाहिए हाँ ना बच्चों क्लियर है ओ टू माइनस के चार हैं और एन ए प्लस कितने हैं आठ टोटल एन ए टू यूनिट इन साइड सेल कितनी होंगी चार, चार। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन ए प्लस कितना होगा सोच कर बताओ डोंट मेक अ मिस्टेक कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन ए प्लस क्या होगा चार होगा क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन वर्ड ओ टू माइनस के लिए क्या होगा बच्चों माइनस के लिए नंबर क्या होगा इट इज गोइंग बी ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों कितने बच्चों का बिल्कुल क्लियर है जो मैंने अभी बताया है बना के दिखा देता हूं ये है इसमें ये जो कॉर्नर आइटम है दिस इज ओ टू माइनस इसके लिए एन ए प्लस कितने होंगे एक दो तीन चार ये चार नीचे वाले यूनिट है इसमें और चार ऊपर वाले में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों हर एक बच्चे क्लियर हो गई ये चीज लाइक दिस इस तरीके टोटल एट आएंगे एट एन ए प्लस ओ टू माइनस क्लियर हो गया गायजाम्पल एन ए टू एल आई टू क्लियर और नॉट गायर गाइस हाँ तो बच्चों यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया तुम्हें गुड एन ए टू ओ एल आई टू तुम समझ गए कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हें समझ में आ गया एन ए के लिए कितना होगा बच्चों चार ओ टू आइन के लिए कितना होगा आठ बच्चे ठीक है एक तो मैं ये बता दू तुम्हें यहां पे है ना इट इज गिवन रॉन्ग एवरीवेयर तो यू हैव टू लर्न द रॉन्ग स्टफ इज नो अदर वे आउट ये जो है यहां पे मैंने क्या लिखा है सिंपल क्यूबिक है दैट इज एक्चुअली करेक्ट इट शुड बी सिंपल क्यूबिक ज्यादातर हर एक जगह क्या लिखा होता है इट इज अ बीसीसी स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे सीसीपी के बजाय तो सिंपल क्यूबिक के बजाय क्या लिखा होता है इन एवरी बुक एवरी वेयर इट इज गिवन बी सीसी बीसीजमेंट बी सी सी अरेन्जमेंट नहीं होना चाहिए बी सी सी का तो मतलब ये है बॉडी सेंटर पे भी सेम एटम रखा होना चाहिए हाँ? है ना बच्चों इट शुड नॉट बी बी सी सी शुड बी सिंपल क्यूबिक विद एटम प्रेजेंट एट द क्यूबिक वर्ड लिखा होता है बीसीसी

वही बॉडी सेंटर पे है तो इट शुड भी जो मैंने अभी बताया शुड करेक्ट जो पहले बताया था लेकिन जादर बुक्स में यही लिखा हुआ है कि जो सीएल एल माइनस है वो क्या बना रहा है रहे मतलब इसको सीएल माइनस ना बोल के ऐसे लिखो मैं पूरी स्टेटमेंट लिख देता हूं इट इज बीसीसी अरेंजमेंट विद एस प्लस एट बॉडी सेंटर एंड सी एल माइनस एट कॉर्नर बीसीसी अरेंजमेंट एक्चुअली स्टेटमेंट गलत है मैंने तुम्हें बता दिया क्यों गलत है uh. क्योंकि तुम्हारा बीसीसी मीन सेम एटम इज प्रेजेंटेड बॉडी सेंटर लेकिन uh. बुक्स में हर एक जगह ये लिखा है तो यूल लर्न दिस गाइज यूल लर्न दिस कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक कर लिया नोट अच्छा ऊपर वाला नोट करना है अच्छा बच्चों अब समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड हमने लिया सी एल माइनस एन ए सी एल की बात कर रहा हूं एन ए सी एल में एन ए के क्लोजेस्ट एटम कौन था सी एल माइनस एन ए पे प्रेजेंट था एन ए पे प्रेजेंट था इन ऑक्टाइड वर्ल्ड

इसमें मुझे बताओ सॉरी इस डायग्राम में मुझे बताओ सी माइनस का सेकंड क्लोजेस्ट कौन होगा अगर क्लोजेस्ट एन ए है क्लोजेस्ट कौन है एन ए छोड़े पॉइंट करके भी दिखा दिए अब इसके जो सेकंड क्लोजेस्ट है वो कौन सा होगा सीएल होगा और सीएल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है ट्राई टू अंडरस्टैंड इज फॉर्मिंग एफ सी सी CL के जो क्लोजेस्ट था वो था सीएस सी एस के जो closest, CL के जो सीएलस्ट था वो क्या था एन एन हाँ ना क्लियर नॉट ये जो अगेन ये जो हमारा सीएल था इसके क्लोजेस्ट कितने थे थे है छे हा सेकोज सीएल कौन होगा सीएल सीएल होगा तो सीएल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आने वाला है

सीएल CL के क्लोजेस्ट कौन है सी एस सीएल के क्लोजेस्ट कौन है सीएस मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर इज एट सीएल के सेकंड क्लोजेस्ट कौन होगा सीएल होगा और कितने सीएल होंगे यहां पे क्लोजेस्ट ये सिंपल यूनिट सेल है इट इज गोइंग टू बी सिक्स ट्राई टू विजुलाइज बच्चों ये सीएल है इसके क्लोजेस्ट तो ये था सेकंड क्लोजेस्ट कौन सा होंगे दूसरे सीएल समझ में आया नहीं आया बच्चों में गॉड इट ऑर नॉट अब यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ बट द क्लोजेस्ट अनायन द सेटम टून इज द क्लोजेस्ट अनाइन सबसे क्लोजेस्ट तो उसके पास है कटाएं और जो सेकंड क्लोजेस्ट है वो अनाय नहीं है समझ में आया नहीं आया बच्चों ये चीज हरेक बच्चों को क्लियर हुई या नहीं हुई हाँ बोलो बॉडी send... हाँ बॉडी सेंटर में तो कटाया नहीं है तुम इस बीसीसी ये बोल रहे हो नहीं एक्जैक्टली exactly तुम्हारा डाउट कहां पे है डाउट नहीं समझ आया मुझे कोई बात नहीं Guys, ये चीज आई जो ने अभी बोला वो समझ आया नहीं, नहीं आया सेकंड क्लोजेस्ट एटम टू अनाइन इज एक्चुअली क्लोजेस्ट अनायन समझ आ रहे नहीं आ रहा बच्चों कि सेकंड क्लोजेस्ट आयन टू अनाइन इज नथिंग बेटा क्लोजेस्ट आयन इज द नेबरिंग कैटायन क्लियर हो गई ये चीज आ बच्चे को गुड लास्ट टॉपिक बच्चों यहां तक समझ गए गुड जैसे ये इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी बताई है और गाइस जो zns था zns has zns का जो स्ट्रक्चर था जिसमें एडम इज प्रेजेंट एट fcc एंड इट इज द कैटायन इज प्रेजेंट इन द ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड zns has डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर नीचे लिखो zns has डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर ओके बच्चों हां बेटा बोलो हाँ, बोलो हाँ हाँ बेटा दोनों से सेम आएगा तुमने एनए लिया तुमने एल में एन का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना चाह वो सिक्स आ रहा है तुमने बॉडी सेंटर के हिसाब से मैंने बताया एस सेंटर के हिसाब से भी सेम आएगा इट विल बी सिक्स ओनली ये मैंने जो एन ए का कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स बताया सीएल का तो मैंने बताया जो मैंने जिस तरीके से बना के दिखाया है हाँ है ना सीएल का पूछे एने का पूछे हाँ वन सेकेंड हाँ 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 सीएल क्लोजेस्ट सीएल आएगा से से नेक्ष नेक्ष में आएगा। देखो लेंथ देखो, जो पहला कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितने पे है ए बाई टू पे है है ना बच्चों दूसरा कितने पे होगा ये ए बाई टू डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा इस कॉर्नर एटम का डिस्टेंस फ्रॉम फेस सेंटर ए बाई रूट टू है ना क्लियर है तक ये हमारा आया सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अब उससे जो नेक्स्ट आएगा ये कितने डिस्टेंस पे है ये तो हमारा रूट थ्री ए बाई टू पे आ गया ना ये उससे दूर हो चुका है इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो सीएल के जो क्लोजेस्ट है वो एन ए है सेकंड क्लोजेस्ट एडजॉइनिंग सीएल है जो कि फेस सेंटर पे है और ये हमारा पहुंच चुका है दूर बेटा ये किसी केस में नहीं आ रहा ना फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर में आ रहा ना सेकंड में आ रहा ये कहीं ना कहीं आगे आएगा क्लियर है यहां तक फर्स्ट या सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर में ना तुम्हारा मतलब तो बॉडी सेंटर वाला जो तुम्हारा एन है बॉडी सेंटर वाला जो तुम्हारा एन है वो सी माइनस के कंपेरिजन में काफी दूर है क्लोजेस्ट हमारा डिस्टेंस था ए बाई टू पे अनायन के लिए कटायन सेकेंड क्लोजेस्ट था हमारा ये बच्चों समझ गए गाइस सॉरी ये नहीं ये वाला ये वाला वन सेट ये वाला ये क्या चल रहा है भाई क्लियर हुआ है नहीं हुआ बेटा क्लोजेस्ट ये है सेकंड क्लोजेस्ट ये है बच्चों सी माइनस के लिए क्लोजेस्ट इज द एन ए प्लस सेकेंड क्लोजेस्ट इज द एडजॉइनिंग सी एल माइनस हाँ है ना बच्चों